हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जामपुर हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में गुड मॉर्निंग जय हिंद सभी लोग जल्दी से आ जाएं और फिर शुरू करते हैं हम लोग क्लास सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन जितने कमांडो तैयार होने वाले हैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर की तरफ से जल्दी सभी लोग वीडियो को दबा के शेयर कर दें और जल्दी से भी आ जाए अपने दोस्तों को बुला दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी मुश्किल से एक मिनट दो मिनट और दूंगा आपको उसके तो बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूंगा एक लाइन की शुरुआत करूंगा एक लाइन से आपके क्लास की शुरुआत करूंगा आप ही लोगों को डेडिकेटेड है जो सरहद पर मौजूद हैं उनको डेडिकेटेड है कि हम कैसे मनाते हैं और वो क्या सोचते हैं उनके मन की बातें करूंगा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सुबह कल ही लिखा था इस लाइन को सोचा कम्प्लीट कर पाऊँ टाइम नहीं मिल पाया कम्प्लीट नहीं कर पाया अधूरी है लेकिन अच्छी है समझ में आनी चाहिए तो एक कोई फौजी भाई क्या सोचता है उसके बारे में सुनेंगे अभी आधा है हो सकता है कल तक पूरी जाए कल सुना दूंगा आप लोग को देश हमारा निराला है सुनेंगे देश हमारा निराला है सरहद पे खड़ा कोई रखवाला है देश हमारा निराला है सरहद पर खड़ा कोई निरा रखवाला है उसके मन की बात बताऊं क्या अब उसके मन की बात बताता हूं उसके मन की बात बताऊं क्या उसके दिल की बात सुनाऊं क्या उसके मन की बात क्या? उसके दिल की बात सुनाऊं क्या मेरे घर में मेरी बहना सुबह बहुत खुश है। सुना, वो कह रहा है मेरे घर में मेरी बहना सुबह बहुत खुश है कि आज राखी का दिन है शाम तक खुश रहेगी ये मैं बताऊं क्या शाम तक क्या पता तो यहां पे सुबह सुबह फौजी भाइयों की बहनें खुश रहती हैं आज राखी है भेजती हैं मिलता उनको वो रक्षाबंधन नहीं देखते अगर उनको पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया बॉर्डर पे तो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे इस वक्त उनको दिवाली से मतलब नहीं पटाखे आप रहे हो अगर पेट्रोलिंग पे लगाया गया तो पेट्रोलिंग पे करेंगे पटाखा फूटे चाहे बम फूटे अगर उनको कह दिया गया सरहद की रक्षा करना तो करते रहेंगे तो ये कुछ लाइन थी अपने फौजी भाइयों के लिए जो कि आधा अधूरी अभी है मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा जल्दी तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें अच्छे से फिर मैं स्टीट कर स्टार्ट करता इसको ओके ओके okay, ठीक है एक बार शेयर कर दो सभी लोग क्लास को फिर मैं स्टार्ट करूं बहुत अच्छे शानदार कैसा दिन आप लोग का सभी लोगों का बढ़िया है एक बार शेयर करो अच्छे से थोड़ा सा जब तक 500 प्लस नहीं जाओगे तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे अभी आते स्टार्ट अंशुमान शर्मा अपना अपना मोबाइल का ब्राइटनेस कम कर लीजिए अपने आप ये सही लगने लगेगा चल स्टार्ट करें स्टार्ट किया जाए क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये रखेंगे इसको करने की कोशिश करेंगे सभी लोग उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है एवं त्रिज्या रूट दस है देखिए बच्चा क्वेश्चन इजी होगा क्वेश्चन इजी इजी होगा आसान आसान सा होगा स्टार्टिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा और आपके एग्जाम को कब टच कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको कॉन्टिन्यूस देखते रहोगे तो पहला क्वेश्चन देखेंगे उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर पर एवं जिसका केंद्र मूल बिंदु पर एवं त्रिज्या क्या है रूट दस है। जल्दी से कर देंगे सभी लोग बहुत अच्छे ऑप्शन सी आने लगा मेरे पास करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यह होता इक्वेशन यह होता है इक्वेशन शर्त क्या होता है यह ओरिजिन से पास होता है दूसरा शर्त इसका जो आर में आर है यह रेडियस होता है तो वही चीज कर देंगे रेडियस कितना आपके पास रूट दस है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास ये दस हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन सी इज राइट बहुत अच्छे शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने आ गया स्क्रीन पे उस वृत्त के समीकरण क्या होगा जिसका देखेंगे जिसका केंद्र माइनस तीन कॉमा दो हो और त्रिज्या क्या हो सात हो जल्दी से बता देंगे जिसका केंद्र क्या हो अब ओरिजिन से शिफ्ट हो गया मूल बिंदु से हट गया माइनस तीन कॉमा दो पहुंच गया और इसका त्रिज्या क्या दे दिया सात दे दिया जल्दी से आंसर दे दे सभी लोग शुभम कुमार पढ़ ले भैया पीडीएफ की बात बात कर लेना पहले ही करते रहो करते रहो एग्जाम सर पे आ गए यही सब नौटंकी करते रहो अपने कैरियर के साथ ये आपके पास केंद्र है ये सेंटर दे दिया है और त्रिज्या क्या दे दिया दे दिया जल्दी से कर देना बाबू एक सेकेंड में आ जाना चाहिए था क्या होता है इक्वेशन अगर कभी ओरिजिन होता है तो होता है एक्स स्क्त स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो अगर आपके पास आ गया है कोई और पॉइंट मतलब माइनस तीन कौमा दो तो इसका आंसर हो जाता है एक्स माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर मान लेते ऐसा कुछ है प्लस ऑफ वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर ज इक्वल टू आर स्क्वायर यही होता है क्या यही होता है आपका चले ओके okay? इसको करेंगे अगर आपके पास माइनस तीन दिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन का स्क्वायर यानी कि फोर्टी नाइन जल्दी से बता देंगे कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ऑप्शन बी सेटिस्फाई करा बहुत अच्छे शानदार कितना हो जाएगा इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा सिक्स एक्स होगा और यहां कितना होगा फोर वाई तो प्लस ऑफ सिक्स एक्स माइनस ऑफ फोर वाई और कितना आ जाएगा नौ और चार तेरह आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा तेरह और जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी बिल्कुल सही शानदार अभी आपको क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे होंगे आप दस पंद्रह मिनट रुक जाओ आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे किए जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है इसको करेंगे सभी लोग जल्दी से उस वृत्त का समीकरण क्या होगा उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र माँणस A, माँणस B, एवं त्रिज्या रूट के अंदर माइनस बी सेंस नहीं बनता जल्दी से कर देंगे इसका सभी लोग त्रिज्या आपको दे दिया रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको दे दिया क्या चीज कि कहां, से इसका सेंटर, इन, इसका केंद्र कहां है माइनस ए कौमा बी माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए हो जाएगा याद है अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा वाई प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या यह सही है बहुत अच्छे ऑप्शन ए आने लगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा यहां से टू ए एक्स बनेगा और यहां से बनेगा टू बी वाई यहां से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर आके बन जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो किसका किसका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए इज राइट बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए सबको समझ में आ रहा है जहां नहीं आएगा वहां बता देंगे वहां पे बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने आ गया वृत्त वृत्तर प्लस, प्लस वाई बराबर सात की त्रिज्या क्या होगी रेडियस बता दें थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यह एक सर्कल का इक्वेशन होता है एक वृत्त का समीकरण होता है जिसमें कंडीशन क्या लगाता है कंडीशन ये लगाता है कि ये ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से पास होना चाहिए मूल बिंदु से गुजरना चाहिए दूसरा क्या इसका सेंटर मूल बिंदु होना चाहिए गुजरना नहीं चाहिए इसका केंद्र कहा मूल बिंदु चाहिए यानी सेंटर ओरिजिन चाहिए दूसरा कंडीशन ये जो आर है ये रेडियस होना चाहिए तो इधर जो इक्वल टूक रहता वही रेडियस होता है लेकिन यहां आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपके पास सात आ जाएगा तो बच्चा आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट सात कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी इज राइट ओके ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे और आने वाले हैं आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इस क्लास से बस शेयर करते रहना मुझे बार बार बोलना पड़े बोलना ना पड़े आप लोग इस जिम्मेदारी को खुद समझना और खुद ही सबसे शेयर करवाते रहना लाइक करवाते रहना वीडियो जब तक क्लास चलेगी ओके okay, ये जिम्मेदारी आप खुद उठाइए आप खुद लोगों से बोलिएगा शेयर और करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम न बोलना पड़े मैं पूरे टाइम आपको पढ़ा सकूं ये सब चीजों से हटके इसलिए या आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ और क्लास को आगे बढ़ाते रहे वृत्त थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन वाई माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू जीरो का केंद्र इसका क्या पूछ लिया केंद्र पूछ लिया थोड़ी देर पहले ही जो आपके पास था थोड़ी देर पहले ही आपके पास जो था वहां पे खुद ही ओरिजिन के अबाउट का लिखा था अब यहां पे एक चीज देखना आपके सामने ऐसे इक्वेशन मिलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ टू जी एक्स प्लस ऑफ टू एफ वाई प्लस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास सी इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है एक सर्कल का इक्वेशन होता है क्या होता है एक सर्कल का कब हो जाएगा जब यहां पे भी क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ऐसा करके आ जाए या फिर आप एक काम करो ए को हटा दो ये सर्कल का प्योर इक्वेशन बोल सकते हो अब इसमें कुछ कंडीशन देखेंगे यहां पे जो है देखेंगे टू जी है और इनके साथ क्या है पहले बात तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है और यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सर्कल के इक्वेशन में क्या चाहिए अकेला चाहिए तो आप क्या करोगे तीन से डिवाइड कर दोगे ठीक है दूसरी बात कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है ये 2g कहलाता है और y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो 2f कहलाता है ओके okay. अब कभी भी ऐसा इक्वेशन रहता है तो इसका सेंटर आता है of F C. Okay. ये दो याद रखेंगे आप लोग लेकिन इसका कंडीशन क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं चाहिए यहां पे देखेंगे तीन मल्टीप्लाई सबसे पहले तीन को हटा दे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अब तीन से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ फोर एक्स हो जाएगा और अगर तीन से इसको डिवाइड करेंगे फाइव वाई और क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन में थ्री इज इक्वल टू जीरो क्या ये सही है हाँ जी बिल्कुल सही है अब यहाँ पे जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ये क्या कहलाता है टू जी कहलाता है तो आप बोल सकते हो टू जी कितना होता है? 4 हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा जी कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा ऐसे जो वाई के साथ मल्टीप्लाई होता है ये फाइव आपके पास टू एफ कहलाता है तो आप बोल सकते हो टू एफ कितना आपको है? पांच दिया हुआ यानी एफ कितना दिया हुआ है पांच बटा दो आपका सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ तो आपका सेंटर क्या जाएगा माइनस जी यानी कि टू कॉमा माइनस एफ यानी कि माइनस पांच बटा दो ऑप्शन ए इज राइट सभी लोगों का आ गया समझ में भी आ गया बहुत अच्छे ऑप्शन ए इज राइट शानदार जल्दी से बताएं, आ गया सबको समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें चले सबको समझ में आ गया नहीं आया होगा, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिनका डी आया कोई बात नहीं इस वाले को देखना आप इस वाले को देखना यह क्वेश्चन क्या बोलता है वृत्त सोलह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चौबीस एक्स प्लस बत्तीस वाई प्लस नौ इज इक्वल टू जीरो एक मल्टीप्लाई होना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान देंगे आप लोग कभी भी सर्कल का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमेशा एक के साथ ही रखेंगे तो क्या करना होगा मुझे सोलह से डिवाइड करना होगा तो क्या हो जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौबीस बटा सोलह तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा देखेंगे आएगा क्या इस बात को बताएं थ्री बाई टू आएगा क्या ये कितना हो जाएगा टू वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा नौ बटा सोलह कितना हो जाएगा नौ बटा सोलह इज इक्वल टू जीरो क्या यही होगा हाँ जी यही होगा अब जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ये क्या कहलाता है टू जी कहलाता है और जो वाई के साथ होता है ये क्या कहलाता है ये टू एफ कहलाता है तो जी कितना आ जाएगा आपके पास जी आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर यही आएगा एक बार देख लेंगे सभी लोग सोलह से डिवाइड करेंगे तो चार चौको सोलह और ठीक है ओके थ्री बाई टू सही सब कुछ सही चल रहा है जी आपके पास आ जाएगा माइनस तीन बटा चार और आपके पास f कितना आ जाएगा f आपके पास हो जाएगा वन तो जल्दी से रेडियस बता देंगे रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी कि नौ बट्टा सोलह और क्या हो जाएगा प्लस एक और माइनस नौ बट्टा सोलह यानी कि आपका एक आ गया ऑप्शन डी इज राइट जल्दी से बताएं सभी लोग सबका आ गया ऑप्शन डी इज राइट इजी है कोई बात नहीं अभी इजी ही चलेगा आगे रुक जाओ रुको तो जरा ओके जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपके सामने आ गया है प्लस वाई स्क्वायर आज एक बहुत अच्छी देशभक्ति कविता सुनाऊंगा बहुत अच्छी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इतनी अच्छे शेयर कर दे एक बार क्लास को फिर मैं सुनाता हूं उस कविता को एक दो क्वेश्चन और कर ले दस तक पहुंच जाए दस क्वेश्चन के बाद सुना दूंगा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो क्या है इसका रेडियस क्या होगा ये पूछ लिया आपसे तो सबसे पहले बताएंगे माइनस फोर किसके बराबर होगा ये बराबर होगा टू जी के और माइनस एट किसके बराबर होगा टू एफ के बराबर होगा और ये जो पूरा बच गया ये क्या होगा ये सी होगा यही होता है आपसे त्रिज्या पूछा है तो सबसे पहले जी और एफ निकाले जी कितना हो जाएगा आपके पास माइनस चार हो जाएगा यानी जी कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा ऐसे ही आपके पास टू एफ कितना है माइनस आठ दिया हुआ है तो एफ कितना है आपके पास माइनस चार जल्दी से बता देंगे रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर जी स्क्वायर यानी कि चार प्लस ऑफ सोलह एफ का स्क्वायर चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो वो स्क्वायर करोगे सही हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस माइनस फोर फोर्टी फाइव कितना आ जाएगा जल्दी से देखेंगे 6 चार दस बीस पैंसठ यानी कि रूट के अंदर पैसठ ऑप्शन सी इज राइट जल्दी से बताएं सबका आ गया बिल्कुल लीजिए ले जिसको लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से बताएं सभी लोग मजा आ रहा है मजा आ रहा है या नहीं अभी रुको पचास क्वेश्चन अभी तो आठ ही तक पहुंचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है वृत्त के का नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो जल्दी से बताए बहुत अच्छे आंसर आ गया बेहतरीन ये क्या है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ये टू जी है और वाई के साथ जो है ये टू एफ है जो बच गया वो चिल्ला रहा है कि हम सी हैं जल्दी से बता देंगे केंद्र का नियामक पूछा है तो केंद्र का नियामक क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है याद रखेंगे माइनस के साथ होता है तो सबसे पहले देखते आता क्या जी और एफ टू जी कितना आपके पास है चार है तो जी कितना हो जाएगा दो हो जाएगा टू एफ कितना है आपका ये आपके पास माइनस चार है तो एफ कितना हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा तो जब माइनस लगाओगे तो माइनस दो और माइनस माइनस प्लस कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट बहुत बेहतरीन अल्टीमेट छा गए गुरु छा गए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप छा गए और कोई भीग सा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक, यानी कि आपको डायमीटर का end point का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो जल्दी से इक्वेशन बता देंगे सभी लोग ये आपको दोनों पॉइंट दे दिया है इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला से करेंगे सभी लोग ये कभी आपको एक सर्कल दिया हुआ है देखेंगे कभी आपको एक सर्कल दिया हुआ है और ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या डायमीटर के एंड पॉइंट है, मान लेते हैं। ये आपका सेंटर हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कभी दिया है, x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, x2. y2। तो यहां पे आपके पास इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस ऑफ y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो यही आपका इक्वेशन देता है सर्कल का अगर दो पॉइंट दिया हुआ है अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो ये आपको देगा इक्वेशन देखेंगे जल्दी से इसको करते हैं इसी तरीके से इसी के भाषा में इसको जवाब देते हैं क्या दिया दो पॉइंट ये और ये तो एक्स वन और वाई वन की जगह इन दोनों को रख देंगे एक्स और वाई की जगह इनको रख देंगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन इन टू एक्स माइनस फोर यही हो जाएगा और प्लस के साथ करेंगे वाई माइनस ऑफ टू इंटू वाई प्लस ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो आपका बन जाएगा यहां से इसका आंसर ओके जल्दी से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर यहां से माइनस चार एक्स प्लस एक्स यानी कि माइनस तीन एक्स हो जाएगा और माइनस दो और प्लस तीन क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा देखेंगे यहां से माइनस चार और यहां से माइनस छ यानी कि माइनस दस इज इक्वल टू जीरो क्या ये सही है जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन मैच करा है माइनस थ्री एक्स प्लस वाई या माइनस टेन यानी कि ऑप्शन डी इज राइट क्या बात है बहुत अच्छे ऑप्शन डी इज राइट सबका आ गया लेवल बढ़ जाएगा अपने आप आपको बोलने की जरूरत नहीं है एयरफोर्स निकालना है एयरफोर्स निकालना है निकल के रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं टेंथ आपके सामने है एयर फोर्स के क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे मिलेंगे लेकिन अभी धीरे धीरे चलेंगे ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे अचानक से आप सीढ़ी चढ़ोगे तो फिर गिर सकते हो आपके घुटने में चोट लग सकती है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो के सकेद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा जो माइनस चार कॉमा माइनस पांच से होकर जाता है जल्दी से करेंगे सभी लोग क्या बोला है वो सर्कल का इक्वेशन बताओ जो यहां से गुजरता हो यहां से पास होता है माइनस चार कॉमा माइनस पांच लेकिन इससे कॉन्सेंट्रिक है यानी कि इसका सेंटर और उसका सेंटर दोनों बराबर है जल्दी से कर देंगे सभी लोग तो अगर सेंटर बराबर है तो सबसे पहले सेंटर बता दो आप मुझे क्या करेंगे सेंटर बता दो या फिर आप ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं देखेंगे ऑप्शन से ही डायरेक्टली कर देते हैं क्या हो जाएगा माइनस चार और माइनस पांच सेटिस्फाई कराओ तो से देखोगे ये क्या देगा ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा माइनस के साथ है तो ये भी प्लस ये भी प्लस और प्लस प्लस करके बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये कभी नहीं होगा ये भी कभी नहीं होगा ये प्लस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे और प्लस कर दोगे तो कभी जीरो होगा ही नहीं बच्चा कौन ये इसको चेक कर लो 16 प्लस ऑफ 25 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 30 माइनस सत्ताईस छ छह पांच सत्रह देख के लग रहा है कि हां भैया इसको जीरो आना है ऑप्शन बी इज राइट ये हो गया शॉर्टकट तरीका ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसमें कि ये कि ये सर्कल है इससे कॉन्सेंट्रिक बनाना है यानी कि मान लेते तो ये नया सर्कल है ये पास कहां से हो रहा है कोई है कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट माइनस पांच दिया हुआ है और इसका सेंटर क्या आपके पास देखा जाए तो टू कॉमा थ्री इसका सेंटर है आपके सामने ओके ये आपको दे दिया इस पॉइंट से पास हो रहा है ये आपको सेंटर दे दिया टू कॉमा थ्री तो जल्दी से बता देंगे आप लोग कितना हो जाएगा इक्वेशन बना सकते हैं हाँ भाई बना सकते हैं इक्वेशन बिल्कुल बना सकते हैं कैसे बनाएंगे x माइनस टू का होल स्क्वायर मान लेते सेंटर यही हो दिया ये मानना क्या है y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इस इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है ना तो दो पॉइंट के बीच की दूरी ही तो रेडियस कहलाएगी आर कितना हो जाएगा माइनस चार माइनस दो यानी कि छत्तीस हो जाएगा माइनस पांच माइनस आठ कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर कितना छ चार दस छ तीन दस आ जाएगा दस का स्क्वायर यानी कि सौ आ जाएगा देखें क्या यही आंसर आया आप लोगों का क्या ऐसे ही आएगा बहुत अच्छे बी विल बी द राइट आंसर आप चाहे इसको सॉल्व कर लें या फिर डायरेक्टली ऑप्शन से कर लें दोनों आपके सामने करके रख दिया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, जितना कर ले पढ़ के जल्दी से आराम से जाएंगे राखी बंधवाएंगे आप भी और हम भी चले वृत्तर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस ऑफ फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो के सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसकी त्रिज्या सुनेंगे जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त के त्रिज्या से दो गुनी है यानी कि उस सर्कल का इक्वेशन बनाओ जो इससे कॉन्सेंट्रिक हो लेकिन इसके रेडियस का डबल हो तो सबसे पहले देखते हैं इसका रेडियस क्या है भैया सेंटर निकालो सेंटर कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो थ्री कॉमा माइनस सिक्स क्या यही सेंटर आएगा इसका टू से डिवाइड कर दो सबको जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई और माइनस लगा के आंसर दे दो ये आपका आ गया सेंटर और रेडियस कितना आ जाएगा बाबू ये आपके पास आ जाएगा नाइन प्लस ऑफ थर्टी सिक्स माइनस पंद्रह कितना आ जाएगा जल्दी से बता दें यही आया सबका यही इसका रेडियस आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा नौ छे पांच यानी तीन एक चार पैंतालीस में से पंद्रह जाएगा कितना बचेगा तीस बचेगा कितना बचेगा तीस बचेगा सही है जल्दी से बताए सभी लोग ये हो जाएगा आपके पास तीस ये क्या बोला डबल होना चाहिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर और डबल यानी कि टू रूट थर्टी होना चाहिए स्क्वायर करोगे तो फोर इन टू थर्टी हो जाएगा जो कि दे देगा आपको एक्सो बीस कितना दे देगा एक्सो बीस जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे जल्दी से आंसर दें इसका बहुत अच्छे पढ़ाई पे ध्यान दे दो बच्चा काम आ जाएगा सच बता रहा हूं बहुत अच्छा वक्त है पढ़ लो जितना एक एक सेकंड टाइम मिले पढ़ाई करो बातचीत में नहीं ज्ञानबाजी में बिल्कुल नहीं एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है जल्दी से बता दे इसका आंसर कितना आया आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था ऑप्शन ए आया अनिल कुमार पीडीएफ की बाद बात बात में कर लेना भैया पहले पढ़ लो ये सब आदत अपने अंदर से निकालो सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो अपने दिमाग को चेंज करो आप देश की रक्षा करने जाते हो तो पहले ये नहीं बोलो कि हमें पहले सैलरी दे दो ऐसा नहीं करना कभी पहले उसका जज्बा रखो कि हाँ वहां जाना है ओके तो जो काम पहले करना चाहिए वो आप बाद में करते हो और जो बाद में करना चाहिए वो आप पहले करते हो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे सभी लोग इसको सॉल्व करके ऑप्शन ए आ रहा है सभी भाइयों का यानी कि देखेंगे तो माइनस सिक्स सिक्स प्लस टन बिल्कुल हां जी एकदम सही है परफेक्टली परफेक्टली सही है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सभी लोग चला जाए क्या चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 120 कैसे आया बच्चा इसका रेडियस कितना है? जो आपको सर्कल दिया था इसका रेडियस कितना आया है ये इसका सेंटर आ जाएगा तीन कॉमा माइनस छ जब आप रेडियस निकालोगे नौ हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो माइनस पंद्रह कर देंगे जो कि आपके पास रेडियस आ जाएगा रूतीस अब ये बोला जो नया वाला सर्कल बनाना है उसका रेडियस क्या होना चाहिए इसका डबल तो नए वाले सर्कल का रेडियस अब आपको पता यहां पे क्या होता है आर स्क्वायर होता है कैपिटल आर का स्क्वायर तो जल्दी से कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे दो दू नी चार गुड़े रूट तीस का तीन हो जाएगा जो कि आपको दे देगा एक सौ बीस ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बिल्कुल हां पोएम सुनाएंगे आपको जैसा बोले हैं बिल्कुल जी चले एक बार सभी लोग बता दे सबको समझ में आ गया हो इमदाद खान जी जल्दी से वापस बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया या नहीं हाँ पोई हम सुनेंगे कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे आज़ाद ही हो लेंगे या फिर सिर हटकटाएंगे हटने के ना हट हटे हट, हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे चरखे से जमी को हम ताज चरख गुजा देंगे ये थोड़ा सा लाइन ज़्यादा हिंदी है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ दूसरा सुन लेना ये अच्छी है ये खुद की है थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं वक्त पढ़ने पर तो अपनों के भी काम ना आते हैं सरहद की रखवाली को सेना कर, अपनी करती है पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने से डरती है सुना पर अंदर लड़की सड़कों पर चलने से डरती है युवा शक्ति का नारा अक्सर सुनने को आता है युवा शक्ति का नारा अक्सर सुनने को आता है सही दिशा में एक भी युवा नहीं जा पाता है खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने हैं क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं के लेने थल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं है अमीरों के घर में देखते हो फल लगा रहता होगा खाना बनता होगा फेंका जाता होगा उनके लिए तंज थल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं है किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है क्या सड़सठ सालों में ये आजाद वतन अपना है क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है क्या इसीलिए आजाद गोली खुद को मारी क्या इसीलिए रण में कूदी नन्ही की झिलकारी तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं उसको कंटिन्यू आगे और करेंगे बहुत बड़ी कविता आराम से सुनाते सुनाते पूरा क्लास हो जाएगा हर दस क्वेश्चन के बाद एक सुना दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश केसरी ज़्यादा तेज करना है तो भैया आंसर दे दो आंसर देते जाओ वेट करते जाओ अब आप लोग ऐसे हो ना आप लोगों का दिमाग बिल्कुल फैला हुआ है आप लोग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है सामने वाला अगर आपको पढ़ा रहा है तो ये सोच के पढ़ा रहा है कि आपको समझ में आए अगर आपको आता है इसका ये नहीं मतलब आप एग्जाम निकालोगे इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल लेना अगर आपको क्वेश्चन लगाने आता है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा ये अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना क्वेश्चन लगाने से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलता है बहुत चीजें वहां पे फेस करना होता है प्रेशर वहां पे आप जाओगे गर्मी हो रहा होगा पानी नहीं होगा बहुत सारी दिक्कत हो सकता है पानी सब कुछ हो फिर भी वहां पे कंफर्टेबल नहीं फील करोगे क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो बहुत चीजें वेरी करती जैसे यहां पे अभी ऑनलाइन आप मेरी क्लास ले रहे हो तो यहां पे बहुत चीजें आपके कंफर्टेबल जोन से आगे होंगी अगर आप उसको कंफर्टेबल अपने फील करना चाहते हो तो या भैया एग्जाम में मत बैठना अपने घर पर वेट करना बोलना कि घर ही पे आके एग्जाम ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र वृत्त यह आपको दिया हुआ है एवं इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया सोलह पाई दे दिया है जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से आंसर दे दें इसका एक बार जल्दी से वापस पहुंचा दे ए वन के चाहिए वन के लाइव चाहिए आप लोग शेयर कर दो मैं और अच्छा क्वेश्चन नीचे लेकर आया हूं और अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं क्या हो जाएगा इसका टू एक्स स्क्स टू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एट एक्स प्लस ऑफ टेन वाई माइनस थर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो बराबर कर लेते हैं जिसका क्या बोला है? उस का ओके इसका स केंद्र है तो सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं सेंटर क्या हो जाएगा माइनस चार और कितना हो जाएगा माइनस पांच क्या यही इसका सेंटर हो जाएगा जी हा अगर इसका रेडियस देखेंगे तो इस फॉर्मूले से रेडियस कितना आ जाएगा इसके इक्वेशन से आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जरूरत ही नहीं आर की क्योंकि आर तो हमें दूसरी की जरूरत है ये जो नया सर्कल बनाना है इसका रेडियस कितना इसका एरिया कितना होना चाहिए सोलह पाई क्षेत्रफल आपको पता सोलह पाई बराबर कितना होगा ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर यही होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू सोलह तो पाई से पाई गया रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता तो रेडियस कितना होगा चार होगा आपको रेडियस दे दिया आपको सेंटर दे दिया इक्वेशन नहीं बना लोगे आप लोग x प्लस ऑफ फोर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा सही है सबका ओके okay. समझ गया क्या बोल रहे आप लोग यहां पे x स्क्वायर अकेले चाहिए तो ये भाई साहब चेंज हो जाएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा और माइनस फाइव बाई टू मैं समझ गया बिना देखे आपका मैसेज कि आप कहना क्या चाहते हैं y प्लस ऑफ फाइव बाई टू का होल स्क्वायर क्या अब खुश हो आप अब तो खुश हो बहुत अच्छे जल्दी से कर दे इसका आंसर कितना आ जाएगा इसको एक्सपेंड कर देंगे कौन सा मैच कर रहा है जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सी इज राइट जी हाँ ऑप्शन सी मैच कर रहा है क्या बोल रहा है इसके स केंद्र है जिसका इसका केंद्र कितना है माइनस टू कॉमन माइनस फाइव बाई टू कैसे पता चला सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ वन होना चाहिए तो हमने दो से सबको डिवाइड कर दिया दो से डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और ये ये क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जाएगा आपका सेंटर क्या होता है इसको दो से डिवाइड कर देते जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है दो से करेंगे तो दो बचेगा और वहां पांच बटा दो माइनस लगा देंगे तो सेंटर बन जाएगा ये आपके सामने सेंटर है और वो आपका रेडियस है ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सबका आ गया आंसर बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके एक विरास के छोड़े नियामक क्रम से ये दे दिया आपको ये दे दिया है दो कोऑर्डिनेट दे दिया जल्दी से बता दो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस ऑफ वाई माइनस थ्री इन टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आपके सामने आ गया है बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा रमेश कुमार जी लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहां पे माइनस थ्री एक्स आएगा वहां से वाई स्क्वायर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स आएगा कि नहीं जल्दी से देखो कितना आ रहा है माइनस वन ओके यहाँ पे मिस्टेक भाई साहब का बोल रहा है कोई कि यहाँ पे सर आपने गलत टाइप कर दिया है अब सही है अब खुश हो आप अब तो खुश हो एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स हो जाएगा बाबू फोर एक्स और यहां कितना हो जाएगा माइनस सिक्स वाई और यहां से बचेगा तीन और यहां से बनेगा चार दुनी आठ तो आठ प्लस तीन ग्यारह हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो जल्दी से आंसर दे दे ऑप्शन ए इज राइट एक लाइन में आ रहा सबका सबका एक लाइन में आंसर आ रहा है क्या मैथ महेंद्र जी वापस से चेक कर लेना बाबू ओके वापस से चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आंसर सही आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वृत्त फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू सिक्स की त्रिज्या की लंबाई जल्दी से बता देंगे इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे इसके त्रिज्या जिसको पीछे का नहीं समझ में रहा वेट करो आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे उसी टाइप के इसके त्रिज्या की लंबाई यानी कि आपसे रेडियस पूछ लिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे लेकिन सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अकेले करो आप एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स डिवाइड किया बटा 5 X, बटा 5 y, और इधर कर लोगे तो माइनस ऑफ सोलह बटा पांच इज इक्वल टू जीरो आपके सामने आ गया इसका सेंटर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव और कॉमा फोर बाई फाइव क्या यही आएगा इसका सेंटर तो रेडियस बता देंगे फॉर्मूले से रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी कि चार बटा पच्चीस और इसका स्क्वायर प्लस ऑफ सोलह बटा पच्चीस प्लस ऑफ सोलह बटा पांच कितना आ जाएगा आंसर सभी लोग बता देंगे पच्चीस ऊपर बचेगा नीचे बचेगा पच्चीस रूट के अंदर कितना आ जाएगा सोलह चार बीस और पांच इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सोलह गुड़े पांच मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके 35 तीन कैरी पांच आठ हो जाएगा और बीस सौ हो जाएगा कि कि आप बोलोगे आपके पास रेडियस कितना आ गया दो आ गया सबका आ गया ऑप्शन ए इज राइट दो आ गया सबका बहुत अच्छे दो आ गया वापस से चेक करें जिनका चार आया कहा गड़बड़ी हो गई जिनका चार आया वापस से देखेंगे आपने शायद रूट नहीं लगाया था आपने शायद रूट नहीं लगाया था जल्दी से देखेंगे बहुत अच्छे से, सेंटर कैसे लिए ओके सेकंड आप लोग मुझे टाइम देंगे मैं उनको बता दूं वापस से डाउट है किसी के पास तो उसको क्लियर करना हमारा काम है और हम सभी भाइयों का काम है ये आपके सामने ओके इसके पहले वाले का भी बात कर रहे थे इसको कर देते हैं फिर आपकी हर बात मानेंगे सबका डाउट लेके चलेंगे किसी एक दो का नहीं लेकिन आपका आपका डाउट तभी लेंगे जब आप दूसरों के डाउट में साथ दोगे बाबू आपके पास ये लिखा था देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर प्लस 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 ऑफ 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 थर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो यही था तो सबसे पहला चीज बताया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ एक होना चाहिए यानी कि यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ फाइव वाई माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 39 by 2 0. क्या यही होगा हाँ जी अब यहां पे आपके पास अब यहां पे आपके पास क्या है टू जी है तो जी कितना आ जाएगा आपके पास टू आ जाएगा और एफ कितना आ जाएगा आपके पास फाइव बाई टू तो जब सेंटर निकालोगे तो माइनस टू कॉमा माइनस फाइव बाई टू अब आपको कहोगे मैं शॉर्टकट कैसे लिख दिया तो हमें टू से दो बार डिवाइड करना पड़ेगा देखेंगे एक बार तो इसको अकेला करने के लिए तो एक बार टू से डिवाइड कर देंगे तो ये चार बन जाएगा दूसरी बार ये, ये, ये पांच बन जाएगा पहली बार में पहले टू से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि ये वन हो जाए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ दूसरी बार इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है फोर टू एक्स होता है ना चले टू एक्स और प्लस हो, होता है आपके पास टू बी वाई होता है तो टू एक्स और टू बीवाई होता है तो टू से एक बार और डिवाइड करना पड़ता है तो दो बार इनको डिवाइड कर दोगे एट एक्स और टेन वाई को क्या हो जाएगा वही आ जाएगा और माइनस लगा दोगे तो सेंटर पे पहुंचा देंगे नहीं सर्कल के नहीं देखते कहां तक सर्कल के तो पूरे क्लियर कर लो एक दो क्वेश्चन जो आएगा वो हंड्रेड परसेंट एक क्लास में अगर आपको एक दो क्वेश्चन कंफर्म हो जा रहा है तो उसको तो कम से कम कंफर्म करो यार पच्चीस क्वेश्चन अगर डेली एक एक क्वेश्चन लेके चलोगे पच्चीस के पच्चीस कर ले जाओगे आप इस बात पर फोकस करो ना आप लोग सब कुछ पाने की कोशिश मत क्या करो अचानक से आप इस पर कोशिश करो कि आप पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी है अब दूसरी करनी अब तीसरी करनी ऐसे करके तब आसानी रहेगी आपको आगे बढ़ने में और आपको परेशानी भी नहीं होगी अगर आप अचानक से सोचोगे पूरा कर ले तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वृत्त थ्री एक्स स्क्स एक्स एक्स स्क्सर माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई प्लस थ्री टू जीरो के केंद्र के नियामक अभी टफ आने वाला है टेंजेंट नॉर्मल सबकी बातें होंगी आगे चल के लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लेकर आए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इनकी तो कितना आ जाएगा सबसे पहला काम है थ्री से डिवाइड करो तभी आगे हम बात करेंगे तो थ्री से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एट अपॉन में थ्री एक्स माइनस ऑफ टेन अपॉन में थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो क्या हो गया इक्वेशन हो गया सर्कल का ओके okay? अब क्या केंद्र क्या होता है केंद्र के लिए क्या करेंगे सबको डिवाइड कर देंगे टू टू से किसको जो यहां पे लिखे रहते हैं एक्स और वाई के साथ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस चार बटा तीन अगर सेंटर निकालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आ जाएगा चार बटा तीन कॉमा पाइनस पांच बटा तीन जो कि आपको दे देगा पांच बटा तीन कौन सा है ऑप्शन सी इज राइट क्या बात है ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या जल्दी से बताएं आप सभी लोग बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया सोलह क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बिंदु बिंदु 1.2 की स्थित स्थिति वृत्त x square plus y square minus 4x plus of 2y minus 11 is equal to zero के संगत होगी यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब है कि अगर ये सर्कल है इसका सेंटर ये है कोई एक दूसरा पॉइंट आके इनके बीच में भटक रहा है हो सकता है वो पॉइंट यहां आ जाए हो सकता है वो पॉइंट यहां आ जाए हो सकता है वो पॉइंट यहां आ जाए हो सकता है ये यह पॉइंट यहां जाए। अगर यहां रहेगा तो आउटसाइड बोल देंगे यहां रहेगा तो ऑन द सर्कल बोल देंगे अंदर रहेगा तो इन और अगर सेंटर पर ही होगा तो सेंटर पर बोल देंगे जल्दी से देखेंगे सभी लोग तो इसको कैसे करते हैं आप लोग इसको कैसे करना चाहेंगे संगीत कुमार यादव जी जब पढ़ाई की बात है जितना पढ़ाया जाता तो कम से कम उतना पढ़ लिया करो यही चीजें आपको समझाते समझाते परेशान हो जाते हैं सभी टीचर महीने यूट्यूब पे चाहे कोई पढ़ाता है चाहे कोई छोटा से बड़ा टीचर यही आपको समझाता है जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ो तब आप एग्जाम निकाल पाओगे लेकिन आप लोगों के अंदर नहीं होता ये पेशेंस आप लोग सोचते हो आपके अकॉर्डिंग चीजें हो फिर आपके अकॉर्डिंग भर बना लो ग्रुप सेना में क्यों भर्ती हो रहे हिंदुस्तान के सेना में क्यों भर्ती हो रहे आप अपने अकॉर्डिंग कोई ग्रुप बना लो उसी को लेके घूमो तो आपको किसी के हिसाब से चलना पड़ेगा आगे भी तभी आप आगे बढ़ोगे तो देखेंगे यहां आपके सामने इसकी बात कर रहे थे तो इसका सीधा सा शॉर्टकट मेथड है इसका लॉन्ग कट मेथड भी आता है कि देखेंगे इसका रेडियस निकालो इस सर्कल का आप क्या निकाल लो रेडियस तो रेडियस क्या होगा ये रहेगा यहां पे तीन केस हम लोग करके सॉल्व करते हैं समझ लेना पहले अगर ये बिंदु अंदर रहेगा तो इस पॉइंट और इस बिंदु के बीच की दूरी रेडियस से कम हो जाएगी अगर इस पे होगा तो रेडियस और इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर होगी और अगर बाहर होगा तो यह रहेगा क्योंकि यह बिंदु आपको पता है सेंटर दिया और यह बिंदु आपको दिया ही रहेगा तो आप डिस्टेंस निकालेंगे इसका डायरेक्टली मेथड यह है कि इस बिंदु को डायरेक्टली इसमें रख दो देखते क्या आ जाएगा वन प्लस ऑफ फोर माइनस ऑफ फोर प्लस ऑफ फोर माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर माइनस फोर गया चार एक पांच और एक माइनस इलेवन ये क्या आ गया निगेटिव आ गया अगर ये निगेटिव आया है सुनेंगे अगर ये निगेटिव आया है तो क्या मतलब है इसका जल्दी से बता दें. ऑप्शन सी भी मिला है डी भी मिला है अगर यह निगेटिव आएगा तो क्या मतलब है जल्दी से बताएं आंसर आ जाना चाहिए था अरे माइनस छ आए या कुछ भी आए निगेटिव आ गया है बस अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है देखेंगे अगर आपने ये जो निकाला जिसको मैं बोलूंगा एस वन ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या होगा आउटसाइड होगा ये बिंदु कहां होगा आउटसाइड अगर एस वन इज लेस देन जीरो होगा तो इन साइड यानी कि भीतर और अगर एस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो ऑन द सर्कल इसमें क्या रहा Negative आ रहा है निगेटिव आ रहा है निगेटिव वाला क्या आएगा इन साइड ऑप्शन डी इज राइट सही है क्या आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा जल्दी से बोले डी वाला सही है बहुत अच्छे वृत्त के भीतर क्यों क्योंकि निगेटिव आ गया समझ में आया बिल्कुल रिपीट करेंगे कभी भी आपको किसी बिंदु के बारे में पूछेगा कि ये अंदर है या बाहर है तो आपको कुछ नहीं करना है उस बिंदु को एक्स और वाई की जगह रख देना है आपके समीकरण में तो मैंने क्या किया वन कॉमा टू रख दिया एक्स की जगह वन रखूंगा वन हो जाएगा y की जगह दो दिया तो दो रखेंगे चार हो जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस फोर हो जाएगा टू इंटू टू फोर हो जाएगा माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो कितना आया ये कितना आया जैसे इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया निगेटिव आ गया अगर ग्रेटर देन जीरो आता पॉजिटिव आता तो ये आउटसाइड कहलाता है अगर लेस देन जीरो आएगा तो इनसाइड कहलाएगा और अगर इक्वल टू जीरो होगा तो हाँ बिल्कुल यही आता है अच्छा कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है एक काम करते ना इसको कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझा देते ना आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका क्या एक डाउट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये पॉइंट दिया है आप इसका सेंटर निकाल सकते हो सेंटर मुझे दे देना तो जल्दी से बता देना कितना आ जाएगा क्या कह रहे 2, minus 1 हो टू कोमा माइनस वन होगा यही कह रहे हो ना ओके टू कॉमा माइनस वन आपका सेंटर हो गया अब इसका रेडियस बता दो आप मुझे रेडियस आपका हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा रूट के अंदर चार प्लस एक और क्या प्लस ग्यारह यही आएगा यानी कि ग्यारह चार देखेंगे ग्यारह बारह चार सोलह यानी कि आपके पास ये चार हो जाएगा ठीक है अब इसका और उसके बीच का दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डी निकालेंगे ये कितना हो जाएगा दो माइनस एक आ जाएगा और माइनस है माइनस है कितना हो जाएगा नौ no हो जाएगा रूट दस आया एक बात बता रहे रूट दस बढ़ा है कि चार बड़ा है यानी कि आपका रेडियस बड़ा है डी से अगर रेडियस बड़ा है डी से तो ये पॉइंट कहां जाएगा ये रेडियस ये वाला आ गया ना ये डिस्टेंस छोटी है रेडियस बड़ा पड़ रहा है तो ये अंदर ही होगा ओके और इसको आज के बाद आप डायरेक्टली कर लेंगे जिनको डाउट था उनके लिए बता दिया जिनको डाउट था यहां पे बाबू बेस से कर दिया बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और ये हो गया डायरेक्ट मेथड कि आपको जो पॉइंट दिया रहेगा इसमें रख दो रखने के बाद अगर इसको सॉल्व किए जो भी अगर पॉजिटिव आया तो आउटसाइड निगेटिव आया तो इनसाइड जीरो आया तो ऑन आ गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह आपके सामने आ गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पच्चीस के बिंदु तीन कौमा चार पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण कोई बताए जल्दी से क्या दे दिया आपको सर्कल दे दिया है और आपसे बोल दिया है इस पॉइंट से निकाले गए टेंजेंट का जल्दी से बता देंगे इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन बता दो जल्दी से आप लोग प्रभात मिश्रा जी अभी बताते हैं वापस से जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर आपको यह दिया है ये दिया है इसको भी दो तरीके से करेंगे आप लोग देखेंगे पहला तरीका आपको सिखा देता हूं बिल्कुल बेस वाला कॉन्सेप्ट वाला उसके बाद आपको सिखाता हूं आप डायरेक्टली कैसे करोगे इसको अगर आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है और क्या बोला तीन चार से पास होने वाले किसी टेंजेंट का समीकरण तो यह लेते टेंजेंट जो कि तीन चार से पास हो रहा हो तीन कॉमा पास पांच ओके यही केस है आपका और ये आ रहा है आपका सेंटर सेंटर कितना है इसका जीरो कॉमा जीरो है तो अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इनका इक्वेशन निकाल लेंगे सुनेंगे इसका इक्वेशन निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे स्लोप अगर दो पॉइंट आपको दिया तो आप स्लोप निकाल सकते हो ओके अगर दो पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप स्लोप निकाल सकते हो स्लोप निकाल लिए इसका ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या रहेगा इस निकाले हुए स्लोप से माइनस वन बाई टाइम ओके सुन लेना जिसको इसको कॉन्सेप्ट देखना है तो इसका स्लोप मान लीजिए आ रहा है एम वन और इसका जो निकालना है इसका एम टू है तो आपको पता है एम टू इज इक्वल टू कैसे आएगा माइनस वन अपन में एम वन क्यों क्योंकि यहां पर यह नाइन डिग्री बनाता है आपके पास स्लोप आ गया और आपके पास एक पॉइंट दिया है आराम से इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एम वन और क्या आ जाएगा x माइनस ऑफ थ्री ये इसका आंसर होगा ये इसका आंसर होगा अब इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे बहुत अच्छे गुड न्यूज बहुत अच्छे इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे सिंपल सा फंडा होता है इसमें सिंपल सा फंडा ये होता है बाबू कि आपको इक्वेशन क्या जानते हो आप, आप जानते हो एक्स स्क्वायर सुन लेना एक बार एक्स स्क्स एक्स प्लस ऑफ टू एफ वाई प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो आप इक्वेशन जानते हो अब जहां जहां एक्स स्क्वायर है ना सुनेंगे जहां जहां एक्स स्क्वायर है ना इसको कहाँ करेंगे एक्स इंटू एक्स वन कर देंगे ओके okay? क्या कर देंगे एक्स इंटू एक्स वन कर देंगे एक्स वन आपको दिया हुआ है और जहां जहां वाई स्क्वायर यहां कर देंगे वाई इंटू वाई वन साथ में जहां जहां एक्स इसको कर देंगे एक्स प्लस एक्स वन और जहां जहां वाई कर देंगे वाई प्लस वाई वन यही आपको दे देगा इक्वेशन ये आपको दे देगा इक्वेशन जो सर्कल का समीकरण दिया रहेगा ना बाबू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई की जगह इसको रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा लेकिन साथ में टू जी हटा देना टू हटा देना ओके टू हटा देना लेकिन इस केस को जब आप जज करोगे इस केस को एनालिसिस करोगे तो आपके सामने ये सभी चीज क्या है सभी के सभी जीरो है सबको हटा दो सभी जीरो है क्या है सिर्फ ये है आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये केस है जो इक्वल टू पच्चीस है x स्क्वायर वाला ही है तो एक्स की जगह एक्स वन कर देंगे ये आपका है, ये आपका आपका है, है, तो 3 into x plus of 4 into y, और क्या आ जाएगा जल्दी आंसर दे दे सभी लोग ऑप्शन बी आ गया क्या थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सूरज गौतम जी कोई बात नहीं ऐसा क्यों सर ओके okay, अब प्रूफ दिखाऊं प्रूफ थोड़ी देर पहले तो दिया था कि एक सर्कल ये है इसका आप स्लोप निकालोगे इसका स्लोप निकालने के लिए माइनस वन बाई टाइम कर दोगे जो पॉइंट रहेगा उसको रख दोगे वो यहीं पे आ जाता है वो यहीं पे आ जाता है सीधे सीधे बिल्कुल रिपीट करूंगा आपके सामने देखेंगे आपको क्या बोला हूं एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे एक्स इन एक्स वन रख देना और वाई स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे y इंटू वाई वन कर देना आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? तो आपके सामने क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू पच्चीस तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन तो एक्स वन क्या आपके पास तीन है तो तीन एक्स प्लस चार वाई इज इक्वल टू पच्चीस ओके क्लियर अब इसको कॉन्सेप्ट से भी परेशानी हो रही है आपको ऐसे सीखने में जल्दी बताए जल्दी से बताएं सभी लोग जी हां बिल्कुल यही होता है इक्वेशन इसका बिल्कुल आप फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ही है ये इसका फॉर्मूला ही है ये जो बताया हूं ये कुछ और थोड़ी है कॉन्सेप्ट तो कुछ और है कॉन्सेप्ट तो ये है कि देखेंगे ये आपको एक पॉइंट दे दिया है तीन कौमा चार सुन लेना बच्चा तीन कौमा चार आपको सेंटर इसका पता है कितना है जीरो कौमा जीरो जल्दी से इसका स्लोप बता दो इनका स्लोप बता दो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्लोप करोगे चार बट्टा तीन आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ इसका स्लोप आ जाएगा चार बट्टा तीन निकाल लेना ओके अब इसी टेंजेंट का इक्वेशन आपसे पूछा है हमको पता ये नब्बे डिग्री बनाएगा तो इक्वेशन मैं लिखूंगा वाई माइनस फोर इज इक्वल टू स्लोप का मल्टीप्लाई और इसका परपेंडिकुलर वाले का स्लोप कितना आ जाएगा माइनस तीन बट्टा चार इंटू एक्स माइनस थ्री देखे क्या यही आएगा एक बार सभी लोग देखो क्या यही आ रहा है आपका इसको सॉल्व करना ऑप्शन बी मिल जाएगा बिल्कुल सही है अगर आपको सेंटर गिवन रहेगा तो वही तो बताया कि आप क्या करोगे स्लोप निकालोगे मान लो अल्फा कॉमा बीटा आपको दिया हुआ है तो स्लोप m कितना आ जाएगा या m1 ले लो बीटा माइनस फोर अपॉन में अल्फा माइनस थ्री आपको पता है ना y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये इसका स्लोप आ जाएगा और यहां पे जो इक्वेशन बनेगा y ऑफ मान लेते क्या है k है जहां से पास हो रहा ह, ह, के है h, k है इज इक्वल टू ऑफ 1 अपॉन में m1 x ऑफ h हो जाएगा ये इक्वेशन दे देगा ऐसे, ओके दो तरीके से बता दिया हूं कर लेंगे सभी लोग हां बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो कि अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो ये तीन कॉमा चार से पास होना चाहिए तीसरा तरीका देख लो तीन कॉमा चार से पास होना चाहिए तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इसको करोगे तो बारह हो जाएगा प्लस ऑफ बारह चौबीस आ जाएगा गलत है इसको करोगे तो कभी नहीं आएगा इसको करोगे क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस कभी निगेटिव नहीं होगा जीरो नहीं होगा ये भी नहीं आएगा क्योंकि कभी जीरो नहीं दे पाएगा इसको देखेंगे नौ और सोलह पच्चीस सारा हाँ हो रहा है ऑप्शन बी सही ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया ओके तीन टाइप का बता दिया आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर अठारह आ गया ये क्या बोलता है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस छब्बीस एक्स प्लस ऑफ ट्वेल्व वाई प्लस ऑफ एक्सौ इज इक्वल टू जीरो के बिंदु सात कौमा दो पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण अब वही चीज है कि आप ऐसे करो वैसे करो जैसे करना चाहो वैसे कर दो जैसे करना चाहो वैसे कर दो अगर आपको ऐसे करना तो करा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट से आप लोग फॉर्मूले से कर लेना कॉन्सेप्ट से क्या बोलता है सेंटर कितना है इसका सेंटर बता दो मुझे कितना आ जाएगा क्या सेंटर आपका आ रहा है तेरह को माइनस छ ये सेंटर आ गया आपका और ये कहां से पास हो रहा है सात कॉमा दो से तो इसका स्लोप बता दो जल्दी से यहां से यहां तक का हालांकि लाइन तो ये है इसका स्लोप बता देंगे एम इस लाइन का ये कितना आ जाएगा माइनस छ यानी कि माइनस में तेरह माइनस सात यानी कितना आ जाएगा सात सात चौदह छाइनस आठ बटा माइनस चार बटा तीन इक्वल टू तीन बट्टा चार इन टू एक्स माइनस ऑफ सेवन देखे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है फोर वाई माइनस एट इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस ऑफ ट्वेंटी वन कितना आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई और इधर आठ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा देख लेंगे कौन सा आ रहा है कौन सा मैच कर रहा है फोर एक्स माइनस थ्री वाई थ्री एक्स आएगा क्या यही आ रहा है सबका बी वाला मैच कर रहा है थ्री एक्स माइनस फोर वाई और अच्छा उधर भेजा है तो इक्कीस उधर आ जाएगा ना एक बार देख लेना बाबू आप लोग कहां पे मिस्टेक हो रहा है सात कॉमा दो से पास करेगा और यह क्या है तेरह कॉमा ओके आई थिंक दोनों अलग अलग दे दिए ना नहीं सही है। क्या तो माँणस 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 हो जाएगा तेरह कॉमा माइनस छः तो तेरह कॉमा माइनस छः माइनस छः माइनस दो माइनस आठ हो जाएगा तेरह में से सात जाएगा छः बचेगा माइनस चार बटा तीन जो कि हो जाएगा तीन बट्टा चार माइनस आठ जाएगा ठीक है तो फोर वाई ओके क्या हो जाएगा सही है तीन बटा चार आ जाएगा फोर वाई माइनस ऑफ एट थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन ये आ रहा है थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू इसको बताए सर एक बार जल्दी से बताए इसको कौन सा आ जाएगा माइनस प्लस का कोई चक्कर पड़ रहा है ओके 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 पता ओकेगा बाबू ये माइनस में आया ना माइनस छ और माइनस दो तो जब माइनस वन वन में करोगे तो माइनस हट जाएगा ओके okay. आप सेंटर क्या आएगा देखेंगे तेरह आ जाएगा और माइनस छ तो माइनस छः माइनस दो माइनस आठ आ जाएगा और बटा छः आ जाएगा माइनस फोर बाई थ्री तो ये आ गया लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाले का चाहिए ना तो तीन बटा चार आएगा सही है ओके okay. ठीक है अब नेक्स्ट एक और, एक और तरीके से ट्राई कर लेते हैं इसका कितना आ रहा है कर लेते हैं तो थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्कीस इधर जाएगा और आठ आपके पास है तो ये हो जाएगा आपके पास ये समझ लो कि बारह तेरह हो जाएगा तेरह ओके ये मेरे हिसाब से अभी आ रहा थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं दूसरे मेथड से करके चेक कर लेता हूं इसको इसको दूसरे मेथड से चेक करते हैं वो क्या बोलता है एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे तो यानी कि आपके पास आ जाएगा सेवन एक्स प्लस ऑफ टू वाई माइनस ऑफ टू से डिवाइड करके आप इसको एडजस्ट कर लो यानी कि आपके पास हो जाएगा तेरह टाइम ऑफ एक्स प्लस सेवन और क्या हो जाएगा प्लस ऑफ सिक्स टाइम ऑफ वाई प्लस टू और क्या हो जाएगा प्लस एक्सो पांच इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करना जल्दी से तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करना तो

एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू वन सिक्सटी नाइन के बिंदु पांच कौमा बारह पर अभिलंब का समीकरण जल्दी से बता देंगे अभिलंब यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन अब यह पूछ लिया तो नॉर्मल का इक्वेशन एकदम बहुत ईजी होता है इसका इक्वेशन कभी भी आपको करना हो तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये सर्कल है आपके पास ये क्या एक सर्कल है ये आपको सेंटर दे दिया है तो कहीं से यहाँ से मान लो नॉर्मल बनाना है तो ये नॉर्मल की खासियत ये होती है कि सेंटर से पास होता है कहाँ से पास होता है सेंटर से यानी कि अभिलंब हमेशा केंद्र से होके जाता है क्लियर और इसका जो सेंटर रहेगा और जहां से अभिलंब बनाना है इनके बीच का स्लोप मतलब इनका स्लोप क्या रहेगा बराबर ही रहेगा तो दो फायदे हो जाते हैं इसका अगर फॉर्मूले से करना चाहोगे तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा x अपॉन एक्स माइनस एक्स वन में x1 वन प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में y1 वन प्लस एफ ये आपको दे देगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे ये दे देगा नॉर्मल का इक्वेशन ये क्या दे देगा आपको नॉर्मल का इक्वेशन अब इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे इसको से कैसे करेंगे 18 क्वेश्चन में मिस्टेक था भाई साहब बोला तो ओके okay? बहुत इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था आपको अगर कभी भी एक सेंटर दे दिया है और जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना वो दे दिया है तो उनके बीच का स्लोप निकाल लो और ये टेंजेंट का इक्वेशन तो इसका स्लोप माइनस वा पॉन में टाइम हो जाएगा आपको स्लोप दे दिया एक पॉइंट दे दिया आराम से इक्वेशन बना सकते हो लाइन का हा? अगर नहीं आता है तो 2D वाली मेरी एक बार क्लास देख लेना आपको समझ में आ जाएगा आप कहोगे कि ये तो मजाक था ये तो झूठे में पूछ लिया था आप तो हंसने वाला काम कर दिए ओके देखेंगे ये आपके पास एक तरीका हो गया दूसरा तरीका आपको यही बताया कि ये कहां से होके जाएगा हमेशा सेंटर से होके जाएगा तो इसका सेंटर क्या है जीरो कॉमा जीरो क्या है जीरो कौमा जीरो तो कौन सा ऐसा जो कर रहा है जीरो ना ये कर रहा है ना ये कर रहा है ये दोनों कर रहा है 0, 0 को ऑप्शन से चेक करेंगे तो और एक खासियत बताया कि जो इनका स्लोप होगा वही इस पॉइंट और सेंटर का स्लोप होगा तो इसका सेंटर कितना है जीरो कौमा जीरो और ये पॉइंट कितना दिए पांच कौमा बारह दे दिए तो इनका स्लोप कितना आ जाएगा बारह बट्टा पांच ये स्लोप आ गया यानी कि ढाल आ गया जिनको नहीं समझ में आ रहा है यह लाइन चीज ये लाइन में क्या चीज मैं बोल दे रहा हूं यह क्लास देख लेना एक बार हो जाएगा ओके ये हो जाएगा और एक चीज कर सकते बिल्कुल 12 और 5 को सेटिस्फाई करें तो 12 पच्चीस साठ पांच बट बारह साठ ऑप्शन सी इज राइट दो तरीके सेटिस्फाई कर लिए एक ये तरीका हो गया कि यह सेंटर से पास होना चाहिए क्यों क्योंकि हमारा जो वृत्त था इसका केंद्र क्या है सेंटर तो वृत्त के केंद्र से अभिलंब गुजरता है इस बात को याद रखेंगे यानी कि नॉर्मल पासिस सर्कल तो इसका सेंटर जीरो, जीरो, था, जीरो से करना था तो कौन सा कर लिए ऑप्शन सी या डी बच्चा अब ये बोला कि यहां से पास हो रहा था इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो इसको भी सेटिस्फाई के ऑप्शन सी हो गया अगर कहीं तीसरी चीज की जरूरत पड़ी तो स्लोप चेक कर लेना उसको बारह बटे मिलना चाहिए ओके तो तीन चार तरीका आपको हर क्वेश्चन में सिखा रहा हूं इसका यह नहीं मतलब है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए इसका यह मतलब है कि आप आराम से कोई भी एक मेथड पिक कर लो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट आपके सामने आ गया क्या बोला है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बोला है पांच इज इक्वल टू जीरो के बिंदु सात कोमा दो पर खींचे गए अविलंब का समीकरण होगा जल्दी से बताएंगे इसका सेम चीज इसका सेंटर देख लो सर्कल का अपने अपने सर्कल का सेंटर देख लो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा आपके पास तेरह और कितना आ जाएगा माइनस छ तो तेरह और माइनस छ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये देख लेना तेरह और माइनस छ कौन सा सेटिसफाई कर रहा है ये देख लो दूसरा चीज ये कि सात कॉमा दो से जा रहा है तो सात कॉमा दो भी सेटिस्फाई करना चाहिए दो पॉइंट सेटिस्फाई करा लो इससे ज्यादा क्या चाहिए हा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और ये हो जाएगा आपके पास थ्री टू जा सिक्स ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट ये जीरो आ रहा है थ्री एक्स कितना आ जाएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और एट हो जाएगा माइनस के साथ यह सेटिस्फाई कर रहा है एक काम करो तेरह कॉमा माइनस छ करा लो तेरह कॉमा माइनस छ करा लो ऐसे मत कराओ सिर्फ एक को मत कराना दो दो पॉइंट कराना जल्दी से बता दो और स्लोप से करना चाहते हो तो इसका स्लोप निकाल लो इसका स्लोप कितना आएगा इसका स्लोप देखना कितना आ रहा है माइनस छ माइनस दो कितना आ जाएगा माइनस आठ बट्टा तेरह माइनस सात कितना आ जाएगा सात छह तेरह छह आ जाएगा यानी तो कि जाएगा कौन सा ऐसा स्लोप है जिसका चार बटा इसका होगा नहीं इसका, इसका, इसका भी इसका तीन बटा चार है यह भी नहीं होगा माइनस चार बटा तीन होना चाहिए बच्चे माइनस चार बटा तीन ऑप्शन डी लग रहा है देखे एक बार सेटिस्फाई करा देखो ऑप्शन डी ऐसा इक्वेशन है जिसका स्लोप माइनस चार बटा तीन है और हमारे नॉर्मल का स्लोप कितना है माइनस चार बटा तीन क्यों क्योंकि यही तो नॉर्मल होता है यही नॉर्मल होता है यह टेंजेंट होता है यह नॉर्मल होता है यह विलंब होता है यह स्पर्शी रेखा होती है तो कौन सा सेफाई करा ऑप्शन डी ये स्लोप से आ गया पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे पॉइंट सब में करा था सेवन फोर ट्वेंटी एट और छत्तीस कर रहा है हाँ जी बिल्कुल सही है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन डी इज राइट बहुत अच्छे शानदार बाबू ऑप्शन सिर्फ पॉइंट नहीं करा सकते सिर्फ पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करा सकते हो आप ओके कभी कभी ऐसा जैसे दो दो केस, दो-दो चेक किए नहीं आया लेकिन ये वाला चीज आपको हमेशा काम आएगा स्लोप वाला ओके ए भी तो सही है वही तो चीज समझा रहा हूं कैसे दो चीज सही हो सकती है एक ही सही होगा ना तो आप सिर्फ ऑप्शन सेटिस्फाई कराए स्लोप भी देख लो ना एक बार स्लोप कौन सा एक सेकेंड लगा इसको देखने में स्लोप कैसे निकाले आपको सेंटर पता ये पॉइंट दो पॉइंट पता तो आप किसी का स्लोप निकाल सकते हो स्लोप क्या होता है वाई का डिफरेंस अपॉन में एक्स का डिफरेंस जब इसका वाई का डिफरेंस करोगे माइनस छ माइनस दो माइनस आठ हो जाएगा अपॉन में तेरह माइनस सात यानी कि आपके पास हो जाएगा छह तो आप जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस चार बटा तीन आपके पास आ गया यह स्लोप होना चाहिए कौन सा सेटिस्फाई से कर ऑप्शन डी वाले का स्लोप ये है इसका स्लोप कितना है इसका स्लोप चार बटे तीन है माइनस में नहीं है प्लस में अठारह अलग क्यों अरे भैया तुम लोग उसी के लिपे वैसे रहोगे आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो क्या बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें आप लोग इतने अच्छे से बता देते इतनी पॉइंट वाली चीजें बता देते ना तो आप लोग और नहीं कर पाते हो क्योंकि आप सोचते हो यार ऐसा कुछ बता दे एक सेकंड में आ जाए यार दिमाग तो लगाओगे थोड़ा सा तो थो कोशिश करो समझने की उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके केंद्र रेखा x 2y 3 0 और 2x 3y 4 0 के छेद पर स्थित है तथा जिसके त्रिज्या चार ओके यानी कि आपको रेडियस दे दिया है और आपको पॉइंट दे दे दिया सेंटर दे दिया सेंटर सेंटर इस तरीके से डायरेक्टली नहीं दिया बोला दो लाइन है इनके इंटरसेक्शन पे सेंटर है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो कैसे निकालोगे एक लाइन आपको दिया है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू तो जीरो और एक आपको दे दिया है, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो तो आपको दिया हुआ तो कैसे करेंगे आप लोग टू से मल्टीप्लाई कर दो या जैसे करना चाहते हो वैसे कर दो इसमें इसमें टू से मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स हो जाएगा माइनस फोर वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करें इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये गया चार हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो वाई कितना हो जाएगा आपके पास दो आ गया वाई कोऑर्डिनेट दो आ गया जैसे ही दो रखेंगे एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस चार और तीन यानी कि एक हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस यानी कि आपको जो सेंटर दिया है वो दे दिया है वन कॉमा टू ये सेंटर दे दिया है और रेडियस वह है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह ओके इंग्लिश में भी देख लेते द द द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर लाइज इज एट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए एंड हुज रेडियस इज फोर ओके ठीक है इक्वेशन सही है तो देखेंगे सभी लोग सबसे पहले क्या किया है? मैं एक उसका सेंटर निकाल लिया हूं. उसका क्या लिया सेंटर निकाल लिया सेंटर कैसे निकला उसका केंद्र कैसे निकला आपको एक लाइन के इंटरसेक्शन पे बोला था तो लाइन के इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालिए कैसे निकालते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप यहां से एक्स उठा के इसमें रख दो या फिर दोनों को जैसे करना वैसे कर लो एक्स और वाई का कुछ वैल्यू आएगा और यही आपका सेंटर कहलाएगा आपको सेंटर वन कॉमर टू आ गया रेडियस चार है तो जल्दी से बता दें आप इक्वेशन नहीं लिख लोगे अगर मैं आपको सेंटर दे दू मोटिवेशन शर्मा नीतीश जी बोले कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट है भैया कहां थे अभी तक कहां हो किस दुनिया में जी रहे हो ये क्या चीज है ये शॉर्टकट बता रहा हूं ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं क्या ये फॉर्मूला बताया हूं कैसे निकालोगे एग्जाम आप लोग आप लोगों के अंदर जज्बा ही नहीं है हर एग्जाम निकालने का आपके अंदर पता क्या चीज है आपके अंदर पढ़ने का जज्बा आप पढ़ने आ जाते हो मैं इसके लिए बुरा नहीं करूंगा लेकिन सिलेक्शन का जज्बा बिल्कुल नहीं है सिलेक्शन बहुत अलग होता है पढ़ाई से आप ऐसे बच्चों को देखते हो जो नहीं पढ़ते वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं फिर आप खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हो घूस से हुआ है और क्या कर सकते हो खुद को तसल्ली दे सकते हो आप आपका भी निकल सकता है आप पढ़ाई करो लेकिन साथ में थोड़ा सा इस चेज पर ध्यान दो कि आपको सेलेक्शन लेना है लेकिन नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है देखेंगे क्या बोला था एक ऐसा सर्कल बताओ जो कि जिसका सेंटर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हो और रेडियस कितना हो चार हो तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर है तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए कैसे निकाले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए जैसे सॉल्व करना चाहते हो आप दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है आप जैसे करना चाहते क्लास से से करते आ रहे, से करते आ आ रहे रहे सॉल्व कर दो तो सॉल्व किया वाई का वैल्यू दो आ गया और एक्स का वैल्यू एक आ गया यानी कि ये एक कॉमर दो के आ गया आपका सेंटर आ गया और रेडियस आपका चार है जो स्क्वायर करोगे सोलह आ जाएगा ओके ये आपके पास आ जाएगा अब आपके पास ये सेंटर निकल गया कहां से निकला है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकला है ये निकल गया और आपको रेडियस दिया है चार तो सॉल्व करेंगे कितना एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई सही है और इधर आ जाएगा आपके पास एक प्लस ऑफ चार पांच हो जाएगा यानी कि माइनस ग्यारह ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बी इज राइट ओके अच्छा बीस नंबर वाले में आप बोल रहे हो कि कॉन्सेप्ट ओके बच्चा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हो ओके 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 चलो आ जाओ सिखाते हैं। इसका देख लेंगे जो बच्चे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं ये अगर आपके पास सर्कल है ओके इसका सेंटर क्या दिया आपको तेरह कॉमा माइनस छ आपको सेंटर दिया है और ये कहां से पास होना चाहिए सात कॉमा दो से तो सबसे पहला काम इनका स्लोप आप निकाल लोगे जो कि आया था माइनस आठ बटा छ जिसको बोल दो माइनस चार बटा तीन तो आप एक बात बताओ आपके पास स्लोप आ गया है सुना आपके पास स्लोप आ गया यही है और आपके पास पॉइंट दे दिया सात कॉमा दो आप इक्वेशन ही बना लोगे वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस चार बटा तीन स्लोप इन टू एक्स माइनस सात क्या ये गलत है हा थ्री वाई प्लस फोर एक्स इधर से माइनस सिक्स हो जाएगा सेवन फोर ट्वेंटी आ गया ऑप्शन डी ऐसे सॉल्व कर लो तो हर जगह ये चीज लग जाता है अगर आप लोग ऐसे करना चाहोगे वाकई में अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो आप बस जुड़े रहो आपको मैं सब चीज सिखाऊंगा फॉर्मूला भी ट्रिक भी कॉन्सेप्ट भी जीत हर तरीके के होते टाइप के आप जैसे लगाना चाहते हो वैसे लगाओ मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगा क्योंकि आंसर लाने से मतलब है मेरा यह मानना है कि आपको सिलेक्शन लेना है मेरा यह नहीं मानना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो ये सही है ये आसान ऐसा कुछ नहीं आप जो कर सकते हो वो आसान है सीधी सी बात है मेरा मानना है तो आप सिलेक्शन के पीछे भागना मेरे मेथड के पीछे मत भागना मैं क्या पढ़ा दिया भैया अगर इससे अच्छा आपको आता है तो आप उसको प्रीफर करो ये ज्यादा बेहतर रहेगा देखेंगे के का मान क्या है यदि सरल रेखा 3x minus 4y is equal to k with x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 is equal to zero करें स्पर्श करें तो कंडीशन पूछ लिया कि क्या होना चाहिए k का वैल्यू किसको टच करे इसका क्या टेंजेंट हो किसका इस सर्कल का ये लाइन क्या हो टेंजेंट हो तो देखेंगे सभी लोग सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं अगर ये आपके पास सर्कल है ओके ये आपका क्या है यहां पे कुछ रेडियस होगा रेडियस बना दो जल्दी से कितना आ जाएगा टू कॉमा फोर क्या यही रेडियस होगा जी हां और कोई सर्कल कोई एक लाइन मान लेते हैं ये से आपके पास क्या है इसका टेंजेंट है यह लाइन इसका टेंजेंट मान लेते थोड़ी देर के लिए ओके इसका इक्वेशन क्या दे दिया थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू के ये इसका इक्वेशन दे दिया एक बात बताओ मुझे आप इसका रेडियस क्या होगा ये होगा 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 और इसका रेडियस क्या होगा ये होगा इसका रेडियस क्या होगा यही हो हो है अच्छा अगर ये टेंजेंट है इस टेंजेंट का इसके सेंटर से दूरी निकालूंगा तो क्या रेडियस आना चाहिए जी हां रेडियस आना चाहिए ओके okay? जी हां आपके पास ये रेडियस के बराबर आना चाहिए टेंजेंट और सेंटर के बीच की दूरी तो ये टेंजेंट हो गया और सेंटर ये हो गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लाइन दे दिया ये पॉइंट दे दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे थ्री इंटू टू माइनस फोर इंटू फोर और माइनस के अपॉन में रूट के अंदर क्या आ जाएगा नौ प्लस ऑफ सोलर इज़ इक्वल टू यह कितना होना चाहिए रेडियस होना चाहिए रेडियस कितना आएगा जल्दी से बता दें चार प्लस ऑफ सोलह प्लस ऑफ पांच पच्चीस यानी कि पांच आ गया यह भी कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा यानी इधर पच्चीस आ जाएगा देखेंगे छे माइनस आठ छे माइनस आठ कितना आएगा दो आएगा देखना सभी लोग जल्दी से दो कॉमा चार ही आपका रेडियस है जी हाँ है तो तीन गुड़े दो हो जाएगा माइनस चार गुड़े ओके ठीक है छ माइनस सोलह हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा छ माइनस सोलह यानी कि माइनस दस माइनस के का मॉड इज इक्वल टू पच्चीस मॉड हटा सकते हो प्लस कर सकते हो तो क्या हो जाएगा टेन प्लस के इज इक्वल टू पच्चीस क्या आ जाएगा माइनस करोगे तो पंद्रह आ जाएगा प्लस करोगे उधर ले जाके तो प्लस माइनस पच्चीस एक सेकंड प्लस माइनस पच्चीस क्योंकि रूट है चले ओके कितना हो जाएगा जल्दी से बता दे सभी लोग दो चार कहां से है? बाबू अगर ये आपके पास सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा दो और चार होगा स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट से, से सेंटर की दूरी हमेशा रेडियस होती है कोई भी सर्कल ये सर्कल हो गया ये अगर टेंजेंट है इस टेंजेंट से सेंटर की दूरी क्या रेडियस ही तो होगी क्योंकि वो टच करता है बहुत अच्छे वापस से रिपीट कर दे अब क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है एक बार कमेंट करो फिर रिपीट करता हूं क्या अब आपको लेवल सही लग रहा है क्वेश्चन का एक बार रिपीट करो बताओ नहीं आए कोई बात नहीं नहीं आया कोई बात नहीं वापस से देखेंगे चलो ये सर्कल आपको दिया बाबू इसका सेंटर क्या होगा इसका सेंटर हो जाएगा आपके पास दो कौमा चार ओके ये सेंटर हो जाएगा अब देखना एक कोई टेंजेंट बनाता हूं आपको ना वैसे दिखा रहा हूं ना इसीलिए ऐसा ये मान लेते टेंजेंट ओके एक बात बता दो ये टेंजेंट का आपको इक्वेशन दे दिया है थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू या माइनस के इज इक्वल टू जी के कोई इस टेंजेंट का एक लाइन है इस लाइन से इस पॉइंट का दूरी बता देना मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस नहीं पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपके पास लाइन हो गया एक पॉइंट हो गया आपको पता है एक रेखा से एक बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है इस क्वारिनेट को एक्स की जगह रख दो यानी कि थ्री गुड़े टू हो जाएगा इसको और वाई की जगह उसके रख दो यानी कि माइनस फोर इंटू फोर हो जाएगा और माइनस है आपके पास के तो माइनस कर दो लेकिन ये मॉड में होता है अपॉन में रूट के अंदर होता है A x, A square प्लस B square. A क्या होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो आपके पास हो जाएगा नाइन प्लसटीन ये आ जाएगा इसके बीच की दूरी एक बात बताओ रेडियस क्या होता है सेंटर से आउटर मोस्ट पॉइंट की दूरी और टेंजेंट क्या होता है आउटर मोस्ट ही होता है तो कहीं ना कहीं ये रेडियस ही तो है और रेडियस इसका आया कितना इसका रेडियस यहां से निकाल लो इस सर्कल का रेडियस रूट के अंदर दो दूनी चार चार चौको सोलह और क्या हो जाएगा माइनस पांच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ये पांच हो जाएगा आपके पास रेडियस आ गया पांच पांच के बराबर कर दो तीन दूनी छह माइनस सोलह यानी कि माइनस दस माइनस के का मोड इज इक्वल टू पच्चीस है रूट के अंदर प्लस माइनस हो जाएगा पांच से जाएगा प्लस माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस पच्चीस जाएगा और जब का वैल्यू निकालोगे मॉड हटा दो डायरेक्टली तो कौन सा जाएगा पंद्रह और माइनस पैंतीस जल्दी से बताएं आ गया कुछ लोग बोले ऑप्शन डी देखो बाबू ऑप्शन डी कहां से आ गया आपका ऑप्शन डी कहां से आ गया हा? इसको मत कर देना ठीक कहां से ऑप्शन डी लग रहा है आपको ये बताना तो हा? अरे ये प्लस माइनस के साथ खुलेगा रूट ना तो आपके पास आ जाएगा माइनस दस आप रू वो हटा दो मॉड है तो दस माइनस दस लिखने का मतलब ही नहीं कुछ दस प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस पच्चीस तो जब दस इधर जाएगा तो के बराबर कितना हो जाएगा दस इधर जाएगा तो दस प्लस माइनस पच्चीस एक सेकेंड रुक जाना ओके ओके हाँ ठीक है ये प्लस माइनस होगा ये भी प्लस माइनस देगा तो काम करो इसको प्लस पच्चीस कर लो इसको फिन करोगे तो दस प्लस के प्लस माइनस के साथ ले लो ओके okay. प्लस माइनस के साथ ले लो ना कितना आ जाएगा एक बार बुझ जाओ मुझे देख लेने दो इधर मान लो पच्चीस लेते हो तो आपके पास आएगा के इज इक्वल टू पंद्रह एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूं और अगर माइनस लेते हो माइनस पच्चीस तो माइनस पच्चीस सही तो है उधर ले लो या इधर ले लो सही दोनों तरीके सेम आएगा ओके okay, दोनों तरीके से सही आएगा इधर भी मॉड प्लस माइनस लगा सकते हो मॉड हटा के कोई दिक्कत नहीं उधर भी लगा सकते हो दोनों से सेम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि फिर के के साथ भी आ जाएगा ना मोड मैं चेक कर रहा था क्वेश्चन नंबर तेईस पे आते हैं ये आपके सामने है यदि सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो के मान जल्दी से बता दे अगर सरल रेखा ये वृत्त को स्पर्श करे तो के मान जल्दी से बता दो अब देखो यहां पे जो इक्वेशन दिया सर्कल का ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गलती से लिखा ये सही है माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो जब इसका सेंटर निकालोगे आप तो सेंटर क्या हो जाएगा एक तो वाई तो जीरो फाइव कॉमा, तो कॉमा जीरो का इस रेखा से दूरी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव प्लस फोर इंटू जीरो और माइनस के अपवन में रूट के अंदर आ जाएगा नौ प्लस ऑफ सोलर इज इक्वल टू तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका जल्दी से बता देंगे रेडियस रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर पांच का स्क्वायर यानी कि पच्चीस बाकी सब जीरो कि पांच ही हो जाएगा तो इज इक्वल टू पांच जाएगा ओके यह आ जाएगा पंद्रह माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ पच्चीस ओके ये आ जाएगा या के माइनस पंद्रह कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जल्दी से आंसर दे दो इसका जल्दी से इसका आंसर दे दो सभी लोग कौन सा आ जाएगा ए वाला आ रहा है सबका क्या ये इक्वेशन आया इसको सेटिस्फाई करा लो सॉल्व कर लो जो भी आपको मिल जाए अगर मान लो पहला रखते हो चालीस तो माइनस पच्चीस आ जाएगा और दस रखोगे तो कैसे सेटिस्फाई करेगा आई डोंट थिंक पहला वाला तो नहीं कर रहा है बी वाला चेक कर लो माइनस पच्चीस आ जाएगा अगर दस रख दोगे तो अगर चालीस रखोगे तो चालीस यानी कि माइनस आ जाएगा और दस रखोगे तो दस पच्चीस सही तो है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बी कर रहा है बाबू इसमें फॉर्मूला नहीं है मैं फार्मूला कहाँ बताया हूँ फार्मूला बताया हूं क्या इसमें एक सेकेंड का है चलो फार्मूला एक बनाई देते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें ना चलो बना देते हैं देख लेना अगर जिसको फॉर्मुलिस करना है उसको ले देख लेना मान लो आपके पास एक कोई लाइन दे दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आपको दिया है और सेंटर दे दिया है अरे यार फिर टाइम लग जाएगा ना क्योंकि सेंटर फिर निकालना पड़ेगा ना ओके okay, हो जाएगा सबका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देखो लाइक like से ज्यादा डिसलाइक वाले हैं यही इज्जत है इस क्लास की इस क्लास की यही इज्जत है यदि सरल रेखा पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करे तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर हेमंत यादव जी बाबू एक बार कोशिश करना आ जाएगा तुरंत चल, जल्दी से करेंगे यदि सरल रेखा स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो जितेंद्र जहांगीर जी काम करो ना पहले सैलरी ले लो फिर अपना वो कर लेना पहले गवर्नमेंट से पूछ लो सैलरी दोगे क्या फिर हम डिफेंस में जाएंगे कितना दोगे अभी दे दो मांग लो गवर्नमेंट से हाँ और कर दिए वाह बेटा वाह जिंदगी भर यही करते रहोगे जिंदगी भर यही करते रहोगे और इसी में डूब के मर जाओगे गलतियों में अपने जल्दी से करेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओके देखेंगे यहां से एक, एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा देखो ये आपके पास है सर्कल जिसका पॉइंट ओरिजिन दे दिया सेंटर क्या दे दिया ओरिजिन दे दिया और कोई रेखा ये है ये पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो ओके okay, ये आपके पास है नहीं डिसलाइक वाले चाइना से थोड़ी है वो यहीं से हैं। वो यहीं से है खुजली हो रही है ओके okay, बेटा ये आपके पास है और ये सेंटर है आपका ये आपके पास पी एक्स प्लस क्यू आई एक बार शेयर कर दो वापस से ले जाओ एक बार वापस से ले जाओ वरना मैं छोड़ दूंगा पच्चीस के बाद इसको इस क्लास को ये बंद करने वाला क्योंकि टाइम हो गया मेरा मुझे भी रक्षाबंधन बनाना है ठीक है मेरा भी मन है मेरा भी मन है भाई घर पे तुम्हारी तरह नहीं बैठा हूं मैं मैं दूर हूं घर से ठीक है जिंदगी में ना कुछ नहीं करना तो किसी भीख मांगने वाले के ना मेहनत का कदर कर देना क्योंकि धूप में खड़े हो भीख मांग रहा मंदिर के सामने तुम्हारी औकात नहीं दिन भर धूप में खड़े हो जाओ समझे ऐसे तुम्हारी औकात नहीं है कि घर से दूर हो इतना मेहनत करो वालों। ओके okay, देखते बाबू ये आपको दे दिया टेंजेंट का समीकरण ये आपको दे दिया एक सर्कल ओके okay? अब देखो अगर ये आपको पता है थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये टेंजेंट कब कहलाता है ये टेंजेंट कब कहलाता है जब इस टेंजेंट का इससे बीच की दूरी रेडियस के बराबर हो जाए ये रेडियस ही तो है तो अगर रेडियस इससे देखेंगे इसका रेडियस कितना है आपके पास इसका रेडियस आपके पास त्रिज्या कितना है ये आपके पास ए है और इस लाइन मूल बिंदु से बीच की दूरी रेडियस होनी चाहिए तो निकालेंगे तो p इंटू जीरो प्लस क्यू इंटू जीरो प्लस आर का मॉड अपॉन में रूट अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए रेडियस ही होना चाहिए तो जल्दी बता दो तो सब जीरो आ जाएगा आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अगर चाहते लगा लो मोड हटा के ओके okay. अगर आप माइनस हट जाएगा स्क्वायर कर तो दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी आ रहा सबका बहुत अच्छे ऑप्शन बी इज राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चलो ओके नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट मूव करें क्या बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भगवान आपको कभी सफल ना बनाए आप जहां भी जाए वहां फेल हो जाए यही दुआ रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि अगर आप किसी की मेहनत का कदर नहीं कर सकते तो आप डिजर्व नहीं करते कोई सिलेक्शन कोई पोजीशन अगर आप टीचर हैं तो आप वो पोजिशन डिजर्व नहीं कर रहे छोड़ दो पोजीशन भगवान करे आप उसमें सबसे बर्बाद हो जाओ क्योंकि वहां अगर पहुंच गए सही जगह तो आप दूसरों को बर्बाद कर दोगे द एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी विदेज देखो अलग टाइप का क्वेश्चन एक डाल दिया हूं ए बी सी तीन पॉइंट आपको दे दिया है तो जल्दी से एरिया बता दो सर रेडियस कैसे निकाले अंकित सिंह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कभी लिखा रहता है तो इसमें आर क्या होता है रेडियस होता है तो उसने क्वेश्चन में ए स्क्वायर लिख दिया था तो ए क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा हा रेडियस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चले जल्दी से बता दो इसका आंसर आप लोग कैसे निकालते हैं कभी तीन कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू वन अपॉन में टू माइनस पांच सात एक माइनस चार माइनस पांच एक चार पांच एक ये होता है इसका फॉर्मूला ओके जल्दी से बता दो जल्दी से कर दे इसका आंसर अब क्यों हटा रहे हो मत हटाओ ना सच भगवान जिंदगी में आपको सफल ना बनाए आप फेल होते रहो जिंदगी में हमेशा परेशान हो जाओ खुद से माइनस चार और अगर इससे इसको माइनस करेंगे ना किसी से किसी को कर लो जीरो ला दो जैसे करना वैसे कर लो और आंसर बता दो मुझे कर देते हैं माइनस पांच से अगर इसको करेंगे माइनस तो माइनस एक हो जाएगा सात में से आपके पास करोगे माइनस पाँच से तो ये बारह हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा माइनस पाँच से चार को कर दोगे तो माइनस नौ हो जाएगा सात में से पाँच को कर दोगे जीरो हो जाएगा एक हो जाएगा तो देख लो कितना आ रहा है एक के साथ ओपन कर लेना आ, माइनस दो हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा नौ दूनिया अठारह एक सौ आठ और क्या हो जाएगा माइनस दो यानी कि एक सौ छह बटा दो तिरपन आ गया ऑप्शन सी तिरपन इज राइट आंसर ओके तिरपन इज राइट आंसर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें यह आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर छब्बीस एक लाइन सुनाता हूं उनके लिए एक लाइन सुनाता हूं जो डिसलाइक करते हैं या फिर जो एग्जामपुर की कदर नहीं करते करना पड़ेगा बेटा क्योंकि यहाँ 24 घंटा इसी चीज में लगे रहते हैं हम सभी लोग जितने भी टीचर यहाँ पे खड़े होकर टी शर्ट पहन के पढ़ाते ना उनके अंदर यही जुनून होता है एक लाइन सुन लेना ये जमाना जलता है हमसे ये जमाना जलता है हमसे हम इसको और जलाएंगे ये जमाना जलता है हमसे इसको हम इसको और जलाएंगे बहुत दुश्मन है हमारे हम और बनाएंगे ठीक है एक लाइन और सुन लेना बैक टू बैक तुम्हारी बात हम जानते हैं तुम्हारी बात हम जानते हैं तुमको हम अच्छे से पहचानते हैं तुम्हारी बात हम जानते हैं तुमको हम अच्छे से पहचानते हैं मेरे सामने चुप ही रहना क्योंकि हम तुम्हारी औकात भी जानते हैं चलो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पड़ाव इसमें क्वेश्चन नंबर छब्बीस के साथ इसमें क्या बोला वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टेन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पर वह बिंदु माइनस टू को माइनस थ्री से खींचे गए स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा ओके देखो ये क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया इसमें क्या दे दिया बाबू ये आपको दे दिया है एक कोई सर्कल है सुनना एक कोई सर्कल है और एक कोई पॉइंट मान लो ये है क्या दे दिया है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री बोला ना बाहर आउटसाइड ना आउटर पॉइंट है ये okay, ये ओके सर्कल है तो बोल दिया है कि इसके टेंजेंट टेंजेंट का लेंथ लेंथ बता बता दो okay? बता दो ओके ऑफ तो एक चीज यहां पे डायग्राम से सिखाना चाहूंगा मैं आपको इसका सेंटर है आपके पास क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया उसको अगर लेके चले तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन कॉमा फाइव क्या हो जाएगा वन कॉमा फाइव ओके ये सेंटर हो जाएगा ये आपको बाहर वाला पॉइंट है इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा और सुना और सुनो अगर ये टेंजेंट बना होगा तो कुछ ऐसे क्या होगा इनको जोड़ूंगा आपको पता है ये 90 डिग्री बनता है अगर ये 90 डिग्री बना तो ये क्या हो गया ये हाइपोटे हो गया ये क्या हो गया ये एक तरीके से बेस कह सकते हो या जो भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता

एक बात बताओ आप इसका इक्वेशन नहीं दिया है? नहीं दिया ठीक है।, है आप इसको क्या बेस को क्या बोलोगे इसको रेडियस बोल सकते हो ये रेडियस हो जाएगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी ऐसे निकाल लोगे तो क्या आप ये नहीं निकाल लोगे बिल्कुल निकाल लोगे देखेंगे ओपी क्या है इस डायग्राम के हिसाब से रेडियस है और रेडियस क्या है कितना आएगा जल्दी से बता देना एक प्लस ऑफ कितना आ जाएगा पच्चीस आ जाएगा और माइनस एक यानी कि पांच आ जाएगा आपका रेडियस और ओ क्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ओ और क्यू ये निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा माइनस तीन यानी कि नौ हो जाएगा माइनस तीन माइनस पांच आठ एटी या सिक्सटी फोर हो जाएगा ये आ जाएगा देखो जल्दी से क्या यही आएगा यानी कि आपके पास आ जाएगा नौ चार तेरह को तीन छ एक साथ सेवेंटी थ्री आ गया ये कितना आ गया सेवनटी थ्री आ गया ये आपको पता चल गया है पांच ये पता चल गया रूट के सेवेंटी थ्री आप ये नहीं निकाल सकते बिल्कुल कैसे हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो आपके पास निकल जाएगा तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ ओ पी का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा तिहत्तर माइनस ऑफ पच्चीस यानी कि तेरह जाएगा पांच में से कितना हो जाएगा आठ पाँच तेरह आठ हो जाएगा और कितना हो जाएगा छः में से दो जाएगा अड़तालीस फोर्टी एट रूट फोर्टी एट आपके पास बचेगा रूट फोर्टी एट तो दे देगा आपको ऑप्शन सी यानी कि फोर रूट थ्री सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया अब आपका क्लास का लेवर बढ़ा रहा हूं ना उठा रहा हूं अरे बस करो इतना जल्दी मत थको ओके इतना जल्दी नहीं थकना चलो चलो ओके okay? अभी नहीं है टाइम अभी और सुनाना उनको बेटा हम भी सुनाते रहेंगे अगर आप उसी चीज पे उतरे हो तो हम वही करेंगे क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, तो हम डिजर्व करते हैं। चले ओके okay? देख लेंगे वापस से ओपी फिर से रहे हैं ओपी क्या है बाबू रेडियस ही तो है ये रेडियस ही तो है <coughs> तो ये सर्कल का है इससे आप रेडियस निकाल लोगे ओके भगवान करें आप इस बार क्या जिंदगी में कभी पास ना हो एग्जाम में अगर आप टीचर हैं तो आप कभी जिंदगी में खुश ना हो हमेशा तकलीफ में परेशानी में जीते रहें ये मेरी दुआ रहेगी भगवान से आज पूजा भी करूंगा इसके लिए जितने डिसलाइक वाले हो और करो कुछ नहीं होगा मेरा और क्या पता मेरी दुआ काम कर जाए तो फिर अपना अपना देख लेना क्योंकि जब मैं नहीं करता हूं मैं सब चीजें मेरे अंदर नहीं है या फिर मैं कभी स्टूडेंट था नहीं किसी टीचर के तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये चीज करते हो तो करो वृत्त टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री पर बिंदु वन फाइव से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी जल्दी से बता दो देखेंगे ओके ये दे दिया वृत्त आपको ये दे दिया ये बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई जल्दी से कर दो बाबू ये आपके सामने है इसका सेंटर क्या है सबसे पहले सेंटर बता दो ओरिजिन होगा बाबू 0,0 ओके ये सेंटर ओरिजिन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ठीक है और पॉइंट क्या 1,5 तो यहां पे ले लेते हैं वन फाइव कुछ है ओके okay? अब इन दोनों को जोड़ दो ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा और इसी को तो ओ लिए थे इसको पी लिए थे इसको क्यों लिए थे या ओ क्यू पी ले लो OQ? इसको पी ले लो इसको क्यों ले लो ये कितना बनाएगा नब्बे डिग्री बनाएगा जल्दी से बता दें इसका दूरी कितना आ जाएगा यहां पे करेंगे इसको रूट के अंदर आ जाएगा एक माइनस एक यानी एक आ जाएगा प्लस पच्चीस आ जाएगा रूट के अंदर छब्बीस ये आ जाएगा देखेंगे सभी लोग और रेडियस कितना आ जाएगा रेडियस इसके हिसाब से देखा जाए तो रूट के अंदर में तीन बीटा रूट थ्री बाई टू आ रहा है रूट थ्री बाय टू आ रहा है यह आ गया तो छब्बीस माइनस कितना हो जाएगा छब्बीस माइनस तीन बटा दो ये आ जाएगा रूट में कितना आ जाएगा बहत्तर माइनस तीन छब्बीस दोनों क्या आ जाएगा बहत्तर ओके okay? बयालीस सॉरी बावन छब्बीस दोनों बावन बावन माइनस तीन यानी कि आपको आ फोर्टी नाइन बाई टू ये आ जाएगा रूट के अंदर तो ये आ जाएगा सेवन अपॉन में रूट टू जो कि आपको दे देगा सेवन रूट टू अपॉन में टू ऑप्शन सी इज राइट क्योंकि रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ओके okay? चले आगे सबका ऑप्शन सी आ गया देख लेंगे जल्दी से इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले महर्षि जी तो हेयर स्टाइल में देखो ना क्वेश्चन देख लो यस सर कटवा क्या जाए अपने मन के हम कुछ कर सकते हैं कि आप ही के मन से किया जाए सब कुछ चलिए विकास कुमार जी आप जा सकते हैं अगर आपको बोरिंग लग गया या फिर आप लेट हो रहा है या फिर कहीं जाना है तो आप कर चले जाओ ना कोई इंटरेस्ट नहीं आपको पढ़ाने मुझे भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आ गया है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो वृत्त ये के केंद्र है और जो बिंदु यहां से गुजरता है जल्दी से बता देंगे सभी लोग आंसर क्या बोला है इसका सेंटर होना चाहिए और यहां से गुजरना चाहिए इसका सेंटर होना चाहिए यहां से गुजरना चाहिए तो सबसे पहले इसका सेंटर बता दो क्या आ जाएगा ऑप्शन से देख के चार आ जाएगा और माइनस छ आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा चार और माइनस छ किसका किसका है चार और माइनस छ किसका किसका है जल्दी से बता दे चार और माइनस छ इसका चार आ जाएगा और माइनस छ इसका हो जाएगा बाकी किसी का है किसी का नहीं है इसका मिल रहा है स केंद्र है दूसरा चीज ओके okay? दूसरा चीज देखेंगे यहां पे क्या बोला है कि यहां से गुजरना चाहिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र है और जो बिंदु 6.2 से गुजरना चाहिए क्या इसको सेटिस्फाई करा देखेंगे थर्टी सिक्स प्लस ऑफ फोर माइनस ऑफ एट सिक्स फोर्टी एट प्लस ऑफ ट्वेल्व टू जैर ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन देखो क्या सेटिस्फाई करा इसको क्या यह सेटिस्फाई करा छत्तीस चार चालीस हो जाएगा चालीस और कितना हो जाएगा ये चौसठ हो जाएगा और ये कितना आठ चार बारह आठ छह चौदह आ रहा है क्या ऑप्शन ए आ रहा है क्या? हाँ जी हा रहा है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आपके सामने यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ऑफ सिक्स वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो व्यास के एक छोर का नियामक तो, दूसरे छोर का नियामक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से कोई कर दे इसको जल्दी से इसको कोई कर दे बहुत अच्छे बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे आप लोग क्या बोला ये सर्कल आपके पास है ये बोल दिया चार कॉमा एक का इसके एक डायमीटर का पॉइंट ओके okay? ये दे दिया है फोर कॉमा वन ले लो फोर कॉमा वन ओके और इसके बारे में पूछा है मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा है ये एक बात बता सेंटर तो क्या आ जाएगा आप निकाल सकते इसका सेंटर कितना आ जाएगा वन कॉमा माइनस थ्री आपको पता है डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है ओके okay? अगर ये कोई व्यास है कोई डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ही केंद्र कहलाएगा ये बात पता है आपको क्योंकि इधर इधर क्या होता है रेडियस होते हैं तो आप मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं एक इज इक्वल टू बीच वाला पॉइंट क्या आएगा चार प्लस अल्फा बाई टू यानी अल्फा कितना आ जाएगा माइनस दो कितना आ जाएगा माइनस दो ऐसी आप निकाल सकते हैं माइनस तीन बराबर कितना आ जाएगा वन प्लस बीटा बाई टू तो आपको बीटा कितना आ जाएगा जल्दी से बता देंगे माइनस छ और एक माइनस सात माइनस दो कॉमा माइनस सात ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बी इज राइट जल्दी से देखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग दीपांशु पंडित या फिर आप जैसे कॉन्सेप्ट देने लग रहा बाबू लोग चले जा रहे फिर अच्छा नहीं लग रहा ना कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीस आपके सामने है शर्त जिसके लिए जिससे कि शर्त जिससे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वृत्त को स्पर्श करे जल्दी से बता देंगे कौन सा शर्त होना चाहिए कि इस वृत्त को ये स्पर्श करे तो देखेंगे ये आपके पास वृत्त हो गया ये आपके पास क्या हो गया टेंजेंट हो गया शर्त देख लेंगे आपको पता ये क्या होगा ये हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो सर्कल का सेंटर ये लाइन आपको दे दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हो ई माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आपको दिया है तो इस लाइन से इस पॉइंट का दूरी क्या होना चाहिए रेडियस होना चाहिए और रेडियस है कितना ए है। तो आप कह सकते हो ए किसके बराबर होगा रेडियस किसके बराबर होगा इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का दूरी यानी ये भी जीरो ये भी जीरो क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन में रूटोर ऑफ वन प्लस ऑफ एम स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्कवायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्या है यहाँ पे वन मल्टीप्लाई है और बी क्या है माइनस है माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आता है मॉट हटा दोगे सी इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ प्लस माइनस लगा दो क्या दिक्कत है रूट के अंदर वन प्लस एम स्क्वायर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन डी इज राइट ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर इकतीस आ रहा है इसको करेंगे सभी लोग क्या बोलता है ये सरल रेखा एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई प्लस एन इज इक्वलो के वृत्त इसका एक अभिलंब क्या होगा ओके आपसे बोला नॉर्मल कब होगा नॉर्मल का कंडीशन बता दो जल्दी से अभी थोड़े दिन पहले चिल्ला चिल्ला के बताया था कि नॉर्मल का कंडीशन है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए वो कहां से जाना चाहिए केंद्र से पा, पास होना चाहिए केंद्र से जाना चाहिए तो इसका केंद्र क्या है बाबू इसका केंद्र है माइनस जी कोमा माइनस यही इसका केंद्र है यहां से जाना चाहिए तो इसको करेगा। एक्स की जगह कर दोगे तो माइनस एल जी माइनस ऑफ एम एफ प्लस एन इज इक्वल टू जीरो करा लो एल जी प्लस ऑफ एम एफ इज इक्वल टू एन देखो कौन सा मिला? है एल जी प्लस ऑफ एम एफ ऑप्शन डी इज राइट सेंटर से पास होना चाहिए बिल्कुल जी हां ओके एक बार अठारह का कॉन्सेप्ट अरे यार अब कैसे लड़के हो अभी कितना ऊपर जाना पड़ेगा रुक जाओ ना अजीब हो यार आप लोग कितना अच्छा पढ़ाई करते हो लेकिन छोड़ो क्वेश्चन नंबर बत्तीस पे आते हैं ये आपके सामने है क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व टू जीरो और कह दिया प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो जल्दी से करेंगे इसको इकतीस वाला नॉट क्लियर बाबू ओके देखेंगे एक बार ये आपके सामने है बहू एक बात होता थोड़ी देर पहले अभिलंब क्या होता है नॉर्मल क्या होता है ये अगर कोई पॉइंट है इसका नॉर्मल अगर यहाँ पे ड्रॉ होगा मान लो ये इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करो टेंजेंट करते हो तो ये होता है नॉर्मल करते हो तो ये होता है और नॉर्मल कहाँ से पास होता है इसके सेंटर से सर्कल के सेंटर से इसका सेंटर क्या है माइनस जी कोमा माइनस एफ है। और ये लाइन क्या है लाइन आपको दे दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिसफाई करेगा तो x की जगह माइनस जी रखने पे जीरो आना चाहिए और y की जगह माइनस एफ रखने पे जीरो आना चाहिए तो जैसे रखोगे ये yes, आपको दिया आना चाहिए आया तो ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बत्तीस वाला कर देंगे बाबू जल्दी से वाई एक्स पर अंत खंड का वैल्यू पूछा है कहने का मतलब अगर कभी एक ये है और ये सर्कल है ये ऐसे सर्कल बन रहा है अंतखंड कभी बोलेगा ना तो इस कोऑर्डिनेट को मत बताना इनके बीच की दूरी यानी जितना दूर में काटा उनकी डिस्टेंस क्या है ओके देखेंगे तो अगर वाई एक्स पे देखना है तो वाई एक्स पे आपकी खासियत क्या होती है कि एक्स इज इक्वल टू तो जीरो होता है वाई एक्सिस की खासियत होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दोगे इसमें क्या आ जाएगा अपॉन में टू यानी सात प्लस एक आठ बटा दो एक चार आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा सात माइनस एक यानी कि छ बटा दो यानी कि तीन आ जाएगा आप कह सकते हो कि चार और तीन पे एक कट कर रहा है का चार और तीन पे कट कर रहा है तो इसका डायग्राम बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा ये कहां पे कट किया तीन पे ये कहां कट किया चार पे तो इनके बीच का गैप कितना है एक का है तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन डी इज राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या जल्दी से बोले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब बहुत अच्छे चार नहीं आएगा बाबू चार आया है आपका मैं मानता हूं आंसर चार मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन अंत खंड का मतलब होता है कि जहां जहां कट करेगा उनके बीच की दूरी तो एक चार आए एक तीन भी आया इस पर भी ध्यान देंगे तो इनके बीच का गैप कितना है वन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्टी इसको करेंगे एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई सिक्सटीन वाई इजो के व्यास के एक सिरे का निर्देशांक ओके ठीक है आपको ना ये दे दिया है चलो देखते हैं क्या है सही है इसका सेंटर निकाल लो आप लोग इसका सेंटर क्या आएगा इसके हिसाब से देखा था तो जीरो कॉमा आठ आएगा यही आएगा इसका सेंटर और एक पॉइंट आपको इसका दे दिया है टू कोमा माइनस थ्री आपसे पूछ लिया दूसरा पॉइंट क्या होगा इस डायमीटर का तो दूसरा पॉइंट मान लेते क्या अल्फा कॉमा बीटा आपको पता है डायमीटर के एंड पॉइंट पे कौन होता है सेंटर होता है तो जीरो इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0 आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा टू प्लस अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा टू हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना है? यहां से माइनस टू आ गया अल्फा कितना आ गया माइनस टू और कितना आपके पास एट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री प्लस बीटा अपॉन में टू तो सोलह और इधर से आ जाएगा तीन सोलह तीन इक्कीस आ जाएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं भी चलो ठीक है कोई बात नहीं बीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा सोलह और तीन उन्नीस हो जाएगा बीटा इक्वल टू उन्नीस आया तो क्या हो जाएगा माइनस टू और नाइनटीन इसको नाइनटीन कर लेना ऑप्शन बी इज राइट ओके नाइनटीन आना चाहिए क्या आना चाहिए नाइनटीन आना चाहिए देखेंगे सभी लोग अगर ये लेके चलते यानी सोलह वाई लेके चलते तो ये आपके पास बनेगा माइनस तीन प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू अपॉन में टू इज इक्वल टू आठ दूनी ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा क्वेश्चन नंबर चौतीस इसको करेंगे सभी लोग जीरो कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण कहां से यहां से यहां से और यहां से तो देख लेना यहां से गुजरा तो देखो सेटिस्फाई करना चाहिए सबसे पहले सेटिस्फाई करो जीरो कॉमा जीरो ज्यादा आसान तरीका है अगर आप इसमें सोचोगे कॉन्सेप्ट तो फंस जाओगे बहुत लंबा जाएगा ये ये बहुत लंबा जाएगा तो सबसे पहले जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई कराओ कौन सा कर रहा है यह नहीं कर रहा है जैसे जीरो जीरो रखो यहां माइनस ए भी बच जाएगा यह भी नहीं कर रहा है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है अब कोई एक सेटिस्फाई करा लो एक कॉमा जीरो करा लो ए कॉमा जीरो कराओगे तो एक्स की जगह ए रख दोगे तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा प्लस ऑफ ए बी क्या ये सर्टिस्फाई करा है? नहीं कर रहा है ए कॉमा जीरो करा ना क्या ये कर रहा है नहीं कर रहा है अच्छा ये कर रहा है देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जी हाँ ऑप्शन सी इज राइट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट पहला वाला तो किसी हालत तो में नहीं होगा क्योंकि उस जीरो, जीरो को मैं को ही सेटिस्फाई कर रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना y इज इक्वल टू जीरो को रखना ए, अच्छा बी हाँ ठीक है पहला और तीसरे वाले में देख चेक करना है ये दूसरा वाला कभी नहीं होगा ओके पहले वाले में चेक करेंगे इसको भी चेक करेंगे एक बार चेक कर लेना एक्स स्क्वायर चलो इसको चेक कर लेते एक बार क्या हो जाएगा एक्स की जगह ए रखना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं होगा ये ओके ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन सी इज राइट सही है ऑप्शन सी सही है ओके ऑप्शन सी सही है क्योंकि आपने जीरो को जीरो को सेटिस्फाई कराया तो ये मिला और ये मिला जब आपने दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराया तो ऑप्शन सी मिला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या बोलता है समीकरण x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ऑफ फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स वाई प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो किसको प्रदर्शित करता है यह किसको प्रदर्शित करता है कैसे पता करोगे हाँ कैसे पता करोगे जल्दी से कर दो इसको आप लोग किसको प्रदर्शित करता है कैसे करोगे इसमें कॉन्सेप्ट होता है एच स्क्वायर इज ग्रेटर होता है एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एक होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अगर ग्रेटर देन होता तो ये हाइपरबोला कहलाता है ओके okay? अगर ये लेस देन होता है तो ये एलिप्स कहलाता है और अगर बराबर होता है तो ये क्या कहलाता है पैरा बोला ओके okay? चलिए आगे का मैं कंटिन्यू कर दूंगा कल मतलब कल जो भी बचेगा आपके पास कंटिन्यू कर दूंगा अभी नौ बजे एक शॉर्ट मूवी आई है एग्जामपुर मेन चैनल पे सभी लोग वहां चले जाएंगे देख लेंगे उस शॉर्ट मूवी को और उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छा लगा होगा आपको आकाश धाकर जी आप पढ़ा देना कॉन्सेप्ट के साथ ओके okay? चलिए अरे यार चलिए क्लास को एंड करते हैं आप लोग अपना ख्याल रखेंगे अपने घर वालों का ख्याल रखिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा ओके वीडियो को शेयर कर देना चैनल को सभी सब लोग सब्सक्राइब कर देना कमेंट जरूर करना क्लास कैसा लगा जय हिंद जय भारत